हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम बुलबुलैया 2। इसके सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताए जाएंगे। इसका हिंदी वर्जन कौन सा, OTT प्लेटफॉर्म कौन से, सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर एक जानकारी देंगे। साथ ही में फिल्म का प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ये सभी फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। फिल्म में क्या स्टोरी हो सकती है, क्या फर्स्ट पार्ट के साथ इस फिल्म की स्टोरी जोड़ी जा सकती है, अलग है। इसके अलावा इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो अपीयरेंस हो सकता है, कार्तिक आर्यन उनके क्या लगते हैं, इनका किरदार क्या है, इस तरह बनाया गया है, जो कास्टिंग तैयार की गई है उस पर कौन सा रोल, कौन सा करेक्टर प्ले कर रहा है, कब ये फिल्म रिलीज होगी, क्या आपके फ्री में ऑफिशियली देखने को मिले, इन सभी स्पेक्ट के ऊपर हम डीप में बातचीत करेंगे। साथ में टेक्निकल टीम के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बुलबुलैया 2 जो ऑफिशियली सीक्वल है बुलबुलैया पार्ट 1 2007 में जो रिलीज हुई थी, अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। बुलबुलैया 2 के साथ 2022 की इंडी हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। हॉरर कॉमेडी जो जॉनर होता है वैसे अपने आप में काफी टफ जॉनर होता है। एक टाइम पर आप पर हंसाना, उसी टाइम पर आपको डराना, ये सभी चीजें एक साथ करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन बुलबुलैया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीजें करके दिखाई भी हैं। उसके बाद काफी सारी ऐसी फिल्में आई हुई हैं, स्त्री आई थी, ये सभी चीजें काफी जबरदस्त तरीके से वर्क कर गई थी। अब देखते हैं इस फिल्म के साथ लिसबर्ग के जो डायरेक्टर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। द राइटर की बात करें तो फराह सामजी और आकाश कौर जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पर फराह सामजी के साथ आता कोशिश ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, जहां पर आकाश कोशिश ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा डायरेक्शन क्या है, जिन्होंने इससे पहले काफी फिल्में को डायरेक्ट किया हुआ है, यानी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाते हैं, एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म दी हुई है, जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफी जबरदस्त नाम है। उन्होंने इससे पहले काफी जबरदस्त फिल्में दी हैं, रेडी थैंक यू, नो प्रॉब्लम, सैंडविच, नो एंट्री, काफी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई हैं इस फिल्म के साथ, उनसे उम्मीदें काफी बढ़िया हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, मोरा खेतानी, कृष्णा कुमार, ये तीन प्रोड्यूसर हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टीसीएफ फिल्म हाउस स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पर फिल्म का बजट तकरीबन 30 से 35 करोड़ बताया जा रहा है। तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया। फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग और टीजर और ट्रेलर में वो काफी रिच नजर आ रहा है। जिस तरह सिनेमेटोग्राफी की गई है, जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है, वो सभी चीजें जबरदस्त है। जिस तरह से बुलबुलैया का टाइटल क्रिएट किया है वो भी सुनने में अच्छा नजर आ रहा है। इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी किया मनु आनंद ने, एडिटिंग की भी बंदी नागिन ने, म्यूजिक दिया हुआ जाबर, स्कोर क्रिएट किया हुआ है स्मिथ सोरेन ने, और सॉन्ग क्रिएट किया हुआ प्रीतम और तनिष बाजी ने, जहाँ पर तनिष बाजी ने इस फिल्म को रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर प्रीतम ने ओरिजिनल सॉन्ग क्रिएट किए हुए थे। जो पार्ट वन में क्रिएट किया था उसका रिलेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर पहला साउंड ट्रैक आपको मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है। और बुलबुलैया 2 का टाइटल ट्रैक है हरे राम हरे कृष्ण, जिसका रिमेक वर्जन अवेलेबल किया हुआ है, जिसके लिरिक्स लिखा हुआ मेरे डिंगल ने और तमिश पाजी ने, सिंगर सैन है नीरज देसी, ओरिजिनल वर्जन दिया हुआ उनके साथ मेलोडी और बॉक्स ऑफिस देखने को मिलेगा। गाने की लेंथ 3 मिनट 31 सेकेंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि फिल्म की गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है। एक ही गाना रिलीज हुआ, बाकी गाने बाकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की, तो ये फिल्म यानी अनंत रानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काफ़ी बड़ी है, ये फिल्म एक ऐसी इंडिया की कंपनी है जो बड़े लेवल पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है। किसी फिल्म को हिट होने के शायद कितनी भी फिल्म अच्छी है तो हड्डी अच्छी स्क्रीन मिलनी चाहिए, ये फिल्म जरूर दिलवा सकती है। अब हम बात कर ले इसकी कास्ट के ऊपर, तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन, तब्बू और ग्यारह आडवाणी देखने को मिलेंगे। इनके अलावा अमलू पादर, संजय मिश्रा, मिनेश कोनांज, करमवीर चौधरी और अक्षय शर्मा आपको मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आए, जहाँ पे कार्तिक आर्यन रूहान बंदावा रू बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं, तब उन्हें कनिष्का शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है, ग्यारह आडवाणी रीत ठाकुर का रोल प्ले कर रही हैं, छोटे पंडित का रोल प्ले करे हुए हैं जो पहले पार्ट में भी थे, अमलू पादर
के रोल में दिखाई देंगे, करमवीर चौधरी आपको मुख्य वेद के रोल में दिखाई देंगे, बाकी सभी कैरेक्टर सेंगे मिश्रा मिलंगुना जी, इसके अलावा राजू शर्मा है, इनके रोल डिस्क्लोज नहीं है। फिल्म रिलीज हो जाएगी तो फिल्म की स्टोरी बोर्ड डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। जिस तरह से ट्रेलर्स आउट हुआ है उससे भूल भुलैया पार्ट वन में जिसका स्टोरी एंड हुई थी, जहाँ पर उसी मंजुलेखा को पाया गया था, और लेकिन कुछ सालों के बाद 15-20 सालों के बाद अलग ही फैमिली आ चुके थे, सभी लोग बदल चुके हैं। वहाँ पर कार्तिक आर्यन आते हैं और वो ओरिजिनल बाबा है या फिर ठग है उसका किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक वो मंजुलेखा का दरवाजा है वो तोड़ देते हैं। उसके बाद में सभी घटनाएं घटने लग जाती हैं, सुपर नेचुरल चीजें होने लग जाती हैं, उन सभी का सामना कैसे करेंगे। उसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना डीप वाला है, क्या वो ओरिजिनल बाबा है या अक्षय कुमार के साथ उनका कनेक्शन है, वो सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म बनाए रखेगी। और ज़्यादा कुछ यादव वो संजय मिश्रा जैसे बॉलिंग का एक्ट्रेस देखने को मिले जो कॉमेडी डिपार्टमेंट में अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। ट्रेलर टीजर आउट होने वाला है, कार्तिक आर्यन का काम डिफरेंट नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है, जहाँ पर वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है अच्छे से हमारे सामने पेश करते हुए नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह है सभी फुल फीचर फिल्मों में कैसे लेते हैं। अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही, डिसेंट रही, तो स्क्रीन प्ले डायरेक्शन जबरदस्त रहेगा और फिर हिट हो सकती है। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उसे अंदाजा लगाया जा सकता है इस फिल्म का बस अच्छा खासा है। लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही हैं, लास्ट फिल्म जो फिल्म हिट हुई थी वो है द फास्ट कश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। हीरो 22, 34 ऐसी बड़ी बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में डरसी नहीं चली थी, चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो, ऑडियंस को इतना इंटरेस्ट नहीं होता बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर। चीज़ें होती हैं वो तो रिलीज डेट के ऊपर ही पता चलता है। रिलीज के ऊपर बात करें तो 20 मई 2022 को इसको रिलीज करवाने वाले हैं। सेंसर बोर्ड की तरफ से USA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस मिस्ट्री हॉरर जनर को देखने के लिए कुछ एक्शन की फिक्स रहती है, थोड़ी घबराहट वाली रहती है, फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ चीज़ें ड्रा आने रहती हैं, वो सभी चीज़ों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड एक्शन वाली होती है। उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी, फिल्म की परफॉर्मेंस, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, ये सभी चीज़ों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए। म्यूजिक और फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चीज़ या किसी भी फिल्म को उठाने के लिए बैकग्राउंड को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, जहाँ पर संदीप एक पूरी तरह से दारोमदार रहने वाला है। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनली 30 जुलाई 2020 को रिलीज करने वाले COVID-19 के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई, बाद में थिएटर ओपन हुए, क्लोज हुए, थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हुए थे और ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी, फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही। फाइनली फिल्म को 20 मई 2022 में थिएटर में रिलीज करने वाले हैं। यहाँ 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म शूटिंग करके इसके अलावा रैपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को। फिलहाल में 2-3 महीने पहले ही पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था। देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से तब रिलीज होते हैं, फिल्म रिलीज के बाद काफ़ी एक दो गाने आएंगे, वो सभी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। अब जब कभी भी फिल्म 20 मई 2023 थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कितना रहता है, कैसा पॉजिटिव माउथ रहता है, नेगेटिव माउथ रहता है, इस पर डिपेंड करता है कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर आउट हो रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ में देखा जा रहा है, इस फिल्म का बस अच्छा खासा क्रिएट हुआ है। अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडियम है, 30-35 करोड़ का बजट है। अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम से 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा फर्क हो रहा है जिसके चलते काफ़ी फ्लॉप हुई जा रही हैं। अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं, फिल्में जैसे रिलीज होते भले ही रीमेक हो लेकिन अच्छी रीमेक थी लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 2022 को ही पता चलेगा। अदरवाइज ट्रेलर में जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सॉन्ग जो सुनने को मिल रहे हैं, वहाँ पर काम लाजवाब नजर आ रहे हैं। धावा के रोल में अपना ज़बरदस्त दे रहे हैं, वो अपनी सीरीज में काफ़ी ज़बरदस्त हैं, उनका दोनों ने अच्छे से कास्ट किया हुआ है। राजपाल यादव
सही मिश्रा की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, साथ में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलेंगे, वो भी अच्छे हैं। स्टोरी तो पर पूरी दमदार का स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है, हॉरर एलिमेंट है, उसका काम किस तरह से किया जाता है, वो सभी चीज़ें फिल्म को ज़बरदस्त बना सकती हैं। हॉरर कॉमेडी दोनों जोनों को एक साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो डायरेक्ट सभी इन चीज़ों के साथ आने वाले टाइम के साथ पता चलेगा। इसके अलावा सनमा ऑटोग्राफर टीजर आउट होंगे तो लाजवाब हैं, तो इस टाइप की सनमा ऑटोग्राफी देखने को मिलेगी, हॉरर कॉमेडी जॉनर है, इसके साथ एक अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा, सभी चीज़ों को अच्छे से शोकेस किया गया है, तो सीन का उधर बेहतर होता है। तो सभी चीज़ें ये ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही, म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है कुछ चीज़ें रिक्रिएट की हुई हैं, कुछ नहीं डाली हुई हैं ट्रेलर में, वो अच्छा नज़र आ रहा है। साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है, टाइटल ट्रैक जो डिस्टेंट पे हमें क्रिएट किया हुआ है, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं। पहला गाना जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला हिट हुआ था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है। मुलबे वन की बात करें तो उसको फिर ऑफिशियल टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अभी सॉन्ग जिसका रन टाइम 154 मिनट है, इसको 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज़ किया गया था, 32 करोड़ के बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ 2007 में, जिसको डायरेक्ट किया हुआ प्रियदर्शन ने, स्क्रीन पे निराधा वारा ने। और इस फिल्म की कहानी बुलबुले वन की कहानी है, मलयालम फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है, मति चित्रन थालू की जो ऑफिशियल रीमेक वर्जन है, अक्षय कुमार, मिता पिता, विद्या बालन, प्रेस रावल, मनोज जोशी, राजप्रदी बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप इस फिल्म के सभी चीज़ें ज़बरदस्त है, कॉमिक फिल्म ने जहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से वर्क करी थी, जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो ज़बरदस्त है, फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित होने ये सभी चीज़ें बहुत बढ़िया 2 को भी होगी। हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था, परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छे से काम किया हुआ था, ग्राफिक्स सेक्टर था, हॉरर डिपार्टमेंट ज़बरदस्त था, जिस तरह से स्टोरी को एस्टैब्लिश किया हुआ था, स्क्रीन प्ले किया हुआ था वो काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का। तो सेम अगर उसी तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूशन कमी ना नज़र आए, तो स्टोरी अच्छी हो, तो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो, तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है। फिलहाल में इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है, जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं कहा जा सकता कि फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी। अब हम बात कर रिलीज के ऊपर, तो 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज़ हो रही है, अगर वहाँ पे मिस कर देते हैं तो फिल्म को 2-3 महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज़ किया जाएगा, उससे पहले ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाएंगे। भूलभुलैया 2 जो ऑफिशियली सीक्वल है भूलभुलैया पार्ट 1 2007 में जो रिलीज हुई थी, अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। भूलभुलैया 2 के साथ 2022 की इंडी हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। हॉरर कॉमेडी जो जॉनर होता है वैसे अपने आप में काफ़ी टफ जॉनर होता है, एक टाइम पर आप पर हंसाना, उसी टाइम पर आपको डराना, ये सभी चीज़ें एक साथ करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन भूलभुलैया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई हुई हैं। उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई हुई हैं, स्त्री आई थी, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर गई थी। अब देखते हैं इस फिल्म के साथ लिस्बर्ग के जो डायरेक्टर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। द राइटर की बात करें तो फरा सामजी और कास्ट कोर जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पर फरा सामजी के साथ अता कोशिश ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, जहाँ पर आकाश कोशिश ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा डायरेक्शन किया है जिन्होंने इससे पहले काफ़ी फिल्में को डायरेक्ट किया हुआ है, यानी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाते हैं, एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म दी हुई है, जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त नाम है। उन्होंने इससे पहले काफ़ी ज़बरदस्त फिल्में दी हैं, रेडी थैंक यू, नो प्रॉब्लम, सैंडविच, नो एंट्री, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई हैं इस फिल्म के साथ, उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़िया हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, मोना खेतानी, कृष्णा कुमार,
ये तीन प्रोड्यूसर हैं जो अपने प्रोडक्शन कंपनी टी सिलेक्ट फिल्म हाउस में स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पर फिल्म का बजट तकरीबन 30 से 35 करोड़ बताया जा रहा है। तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया। फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग और टीजर और ट्रेलर में वो काफी रिच नजर आ रहे हैं। जिस तरह सिनेमेटोग्राफी की गई है, जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है, वो सभी चीजें जबरदस्त है। जिस तरह से बोल बुलैया का टाइटल क्रिएट किया है वो भी सुनने में अच्छा नजर आ रहा है। इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी किया मनु आनंद ने, एडिटिंग की भी बंदी नागिन ने, म्यूजिक दिया हुआ है जाबर, स्कोर क्रिएट किया हुआ है स्मिथ सोरेन ने और सॉन्ग क्रिएट किया हुआ प्रीतम और तनिष बाजी ने। जहाँ पर तनिष बाजी ने इस फिल्म को रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर प्रीतम ने ओरिजिनल सॉन्ग क्रिएट किए हुए थे। जो पार्ट वन में क्रिएट किया था उसका वर्जन देखने को मिलेगा, जहाँ पर पहला साउंड ट्रैक आपको मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर, टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है। और बोल प्लेयर 2 का टाइटल ट्रैक है हरे राम हरे कृष्ण, जिसका रिमेक वर्जन अवेलेबल किया हुआ है, जिसके लिरिक्स लिखा हुआ मेरे डिंगल ने और तमिश पाजी ने। सिंगर सैन है नीरज, ओरिजिनल वर्जन दिया हुआ उनके साथ मेलोडी और बॉक्स भी देखने को मिलेगा। गाने की लेंथ 3 मिनट 31 सेकेंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखने वाली ये बात होगी कि फिल्म की गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है कि गाना रिलीज हुआ बाकी गाने बाकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर की, तो एयर फिल्म यानी अनंत हरानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काफ़ी बड़ी है। ये फिल्म एक ऐसी इंडिया की कंपनी है जो बड़े लेवल पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है। किसी फिल्म को हिट होने के शायद कितनी भी फिल्म अच्छी है तो हटी अच्छी सेकेंड मिलनी चाहिए, ये फिल्म जरूर दिलवा सकती है। अब हम बात कर ले इसकी कास्ट के ऊपर, तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन, तब्बू और ग्यारह आडवाणी देखने को मिलेंगे। इनके अलावा अमलू पादर, संजय मिश्रा, मिनेश कोनांज, करमवीर चौधरी और अक्षय शर्मा आपको मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आए। जहाँ पे कार्तिक आर्यन रूहान बंदावा रू बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं, तब उन्होंने कनिष्का शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है, ग्यारह आडवाणी रीत ठाकुर का रोल प्ले कर रही हैं, लिहाजा छोटे पंडित का रोल प्ले करेगा जो पहले पार्ट में भी थे, हम पार्टे के रोल में दिखाई देंगे। करमवीर चौधरी आपको मुख्य वेद के रोल में दिखाई देंगे। बाकी सभी कैरेक्टर संजय मिश्रा, मिलन गुना जी, इसके अलावा राजेश शर्मा है, इनके रोल डिस्क्लोज नहीं है। तो फिल्म रिलीज हो जाएगी तो फिल्म की स्टोरी वर्ड डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। जिस तरह से ट्रेलर्स आउट हुआ है उससे भूल भलैया पार्ट वन में जिस तरह स्टोरी एंड हुई थी, जहाँ पर उसी मंजुलेखा को पाया गया था, और लेकिन कुछ सालों के बाद 15-20 सालों के बाद अलग ही फैमिली आ चुके थे, सभी लोग बदल चुके हैं। वहाँ पर कार्तिक आर्यन आते हैं और वो ओरिजिनल बाबा है या फिर ठाक है उसका किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक वो मंजुलेखा का दरवाजा है वो तोड़ देते हैं। उसके बाद में सभी घटनाएं घटने लग जाती हैं, सुपर नेचुरल चीजें होने लग जाती हैं, उन सभी का सामना कैसे करेंगे। उसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना डीप वाला है, क्या वो ओरिजिनल बाबा है या अक्षय कुमार के साथ उनका कनेक्शन है, वो सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म बनाए रखेगी। और ज़्यादा कुछ यादव वो संजय मिश्रा जैसे बॉलिंग का एक्ट्रेस देखने को मिले जो कॉमेडी डिपार्टमेंट में अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। ट्रेलर टीजर आउट होने वाला है, कार्तिक आर्यन का काम डिफरेंट नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है। जहाँ पर वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है अच्छे से हमारे सामने पेश करते हुए नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह है सभी फुल फीचर फिल्मों में कैसे लेते हैं। अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही, डिसेंट रही, तो स्क्रीन प्ले डायरेक्शन जबरदस्त रहेगा और फिर हिट हो सकती है। जिस तरह से टीजर ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उसे अंदाजे लगाया जा सकता है इस फिल्म का बस अच्छा खासा है। लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही हैं, लास्ट फिल्म जो फिल्म हिट हुई थी वो है द कास्ट कश्मीर फाइल के पास, काफ़ी सारी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, हीरो 22, 34 ऐसी बड़ी बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में डरसी नहीं चली थी, चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो, ऑडियंस को इतना डर नहीं होता बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर। चीज़ें होती हैं वो तो रिलीज डेट के ऊपर ही पता चलता है। रिलीज के ऊपर बात करें तो 20 मई 2022 को इसको रिलीज करवाने वाले हैं। सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस मिस्ट्री हॉरर जनर को देखने के लिए कुछ एक्शन की फिक्स रहती है, थोड़ी घबराहट वाली रहती है, फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ चीज़ें ड्रा आने रहती हैं,
वो सभी चीज़ों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड एक्शन वाली होती है, उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है। तो फिल्म की स्टोरी, फिल्म की परफॉर्मेंस, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, ये सभी चीज़ों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए। म्यूजिक और फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ या किसी भी फिल्म को उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, जहाँ पर संदीप एक पूरी तरह से दारोमदार रहने वाला है। रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनली 30 जुलाई 2020 को रिलीज करने वाले COVID-19 के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई, बाद में थिएटर ओपन हुए, क्लोज हुए, थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हुए थे और ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी, फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही। फाइनली फिल्म को जिस मई 2022 में थिएटर में रिलीज करने वाले हैं, या 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म शूटिंग करके इसके अलावा रैपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को। फिलहाल में 2-3 महीने पहले ही पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था। देखने वाली बात यह है कि फिल्म के गाने वो पूरी तरह से तब रिलीज होते हैं, और फिल्म रिलीज के बाद काफ़ी एक दो गाने आएंगे, वो सभी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। अब जब कभी भी फिल्म 20 मई 2023 थिएटर में आएगी, तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कितना रहता है, कैसा पॉजिटिव माउथ रहता है, नेगेटिव माउथ रहता है, इस पर डिपेंड करता है कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर आउट हो रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ से देखा जा रहा है, इस फिल्म का बस अच्छा खासा क्रिएट हुआ है। अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडियम है, 30-35 करोड़ का बजट है। अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम से 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा करेक्ट हो रहा है, जिसके चलते काफ़ी फ्लॉप हुई जा रही हैं। अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं, फिर हमें जैसे रिलीज होते भले ही रीमेक हुआ, लेकिन अच्छी रीमेक थी लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है, और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 2022 को ही पता चलेगा। अदरवाइज ट्रेलर में जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सॉन्ग जो सुनने को मिल रहे हैं, वहाँ पर काम लाजवाब नज़र आ रहे हैं। दवा के रोल में अपना ज़बरदस्त दे रहे हैं, वो अपनी सीरीज में काफ़ी ज़बरदस्त हैं, उनका दोनों ने अच्छे से कास्ट किया हुआ है। राजपाल यादव से मिश्रा की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, साथ में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलेंगे, वो भी अच्छे हैं। स्टोरी के ऊपर पूरी दमदार का स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है, और एलिमेंट है उसका काम किस तरह से किया जाता है, वो सभी चीज़ें फिल्म को ज़बरदस्त बना सकती हैं। और कॉमेडी दोनों जोनों को एक साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो डायरेक्ट सभी इन चीज़ों के साथ आने वाले टाइम के साथ पता चलेगा। इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी और होंगे तो लाजवाब हैं, तो इस टाइप की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी, हॉरर कॉमेडी जॉनर है, इसके साथ एक अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा, सभी चीज़ों को अच्छे से शोकेस किया गया है, तो सीन का उधर बेहतर होता है। तो सभी चीज़ें ये ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है। म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है, कुछ चीज़ें रिक्रिएट की हुई हैं, कुछ नहीं डाली हुई हैं, ट्रेलर में वो अच्छा नज़र आ रहा है। साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है, टाइटल ट्रैक जो डिस्टेंस ने क्रिएट किया हुआ है, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं। पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला हिट हुआ था, वो काफ़ी ज़बरदस्त था, उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है। बुलबे वन की बात करें तो उसको फिर ऑफिशियल टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अभी सॉन्ग जिसका रन टाइम 154 मिनट है, इसको 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज किया गया था, 32 करोड़ के बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ 2007 में, जिसको डायरेक्ट किया हुआ प्रियदर्शन ने, स्क्रीन पे निराधा वारा ने। और इस फिल्म की कहानी बुलबुले वन की कहानी है, मलयालम फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है, मति चित्रंदालु की जो ऑफिशियल रीमेक वर्जन है, अक्षय कुमार, मिता पिता, विद्या बालन, प्रेश रावल, मनोज जोशी, राजप्रदे बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप इस फिल्म के सभी चीज़ें ज़बरदस्त है, कॉमिक सीन है जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से वर्क करी थी, जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो ज़बरदस्त है, फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित होने ये सभी चीज़ें बोल भैया 2 को भी होगी। हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था, परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छे से काम किया हुआ था, ग्राफिक्स अच्छे था, हॉरर डिपार्टमेंट ज़बरदस्त था, जिस तरह से स्टोरी को एस्टैब्लिश किया हुआ था, स्क्रीन प्ले किया हुआ था, वो काफ़ी बेहतरीन थी। उन सभी चीज़ों का
हाँ तो सेम अगर उसी तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूशन कमी ना नजर आए तो स्टोरी अच्छी हो तो स्क्रीन पे बढ़िया हो तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है। फिलहाल में इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं कहा जा सकता कि फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी। अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज हो रही है। अगर वहाँ पे मिस कर देते हैं तो फिल्म को 2-3 महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज किया जाएगा। उससे पहले ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को ऑफिशियली इंजॉय कर पाएंगे। इसके लिए बुल प्ले पार्ट भी ऊपर टी सीरीज के चैनल पर मिलेगा। आज का वीडियो भूल भुलैया 2 जो ऑफिशियली सीक्वल है भूल भुलैया पार्ट 1 2007 में जो रिलीज हुई थी अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। भूल भुलैया 2 के साथ 2022 की इंडी हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। हॉरर कॉमेडी जो जॉनर होता है वैसे अपने आप में काफी टफ जॉनर होता है। एक टाइम पर आप पर हंसाना उसी टाइम पर आपको डराना ये सभी चीजें एक साथ करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन भूल भुलैया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीजें करके दिखाई भी हैं। उसके बाद काफी सारी ऐसी फिल्में आई हुई हैं, स्त्री आई थी, ये सभी चीजें काफी जबरदस्त तरीके से वर्क कर गई थी। अब देखते हैं इस फिल्म के साथ लिस्बर्ग के जो डायरेक्टर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। द राइटर की बात करें तो फराह सामजी और आकाश कौर जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पर फराह सामजी के साथ अमिताभ कौशिक ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, जहाँ पर आकाश कौशिक ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा डायरेक्शन क्या है जिन्होंने इससे पहले काफी फिल्में को डायरेक्ट किया हुआ है, यानी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाते हैं एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म दी हुई है, जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफी जबरदस्त नाम है। उन्होंने इससे पहले काफी जबरदस्त फिल्में दी हैं, रेडी थैंक यू, नो प्रॉब्लम, सैंडविच, नो एंट्री, काफी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई हैं इस फिल्म के साथ, उनसे उम्मीदें काफी बढ़िया हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, बोरा खेतानी, कृष्णा कुमार ये 3 प्रोड्यूसर हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी फिल्म स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पर फिल्म का बजट तकरीबन 30 से 35 करोड़ बताया जा रहा है। तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया। फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग और टीजर और ट्रेलर में वो काफी रिच नजर आ रहा है। जिस तरह सिनेमाटोग्राफी की गई है, जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है वो सभी चीजें जबरदस्त है। जिस तरह से भूल भुलैया का टाइटल क्रिएट किया है वो भी सुनने में अच्छा नजर आ रहा है। इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किया मनु आनंद ने, एडिटिंग किया बंदी नागिन ने, म्यूजिक दिया हुआ जाबर, स्कोर क्रिएट किया हुआ इसमें सोरेन ने और सॉन्ग क्रिएट किया हुआ प्रीतम और तनिष बाजी ने, जहाँ पर तनिष बाजी ने इस फिल्म को रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर प्रीतम ने ओरिजिनल सॉन्ग क्रिएट किए हुए थे। जो पार्ट 1 में क्रिएट किया था उसका वर्जन देखने को मिलेगा, जहाँ पर पहला साउंड ट्रैक आपको मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर, टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है। और भूल भुलैया 2 के टाइटल ट्रैक है हरे राम हरे कृष्ण, जिसका रिमेक वर्जन अवेलेबल किया हुआ है, जिसके लिरिक्स लिखा हुआ मेरे डिंगल ने और तमिश पाजी ने, सिंगर सैन है नीरज ओरिजिनल वर्जन दिया हुआ उनके साथ मेलोडी और बॉक्स भी देखने को मिलेगा। गाने की लेंथ 3 मिनट 31 सेकेंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पांस मिल रहा है। देखने वाली ये बात होगी कि फिल्म की गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पांस मिलता है कि गाना रिलीज हुआ बाकी गाने बाकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर की, तो एयर फिल्म यानी अनंत रानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काफ़ी बड़ी है, ये फिल्म एक ऐसी इंडिया की कंपनी है जो बड़े लेवल पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है। किसी फिल्म को हिट होने के शायद कितनी भी फिल्म अच्छी है तो हड्डी अच्छी स्क्रीन मिलनी चाहिए, ये फिल्म जरूर दिलवा सकती है। अब हम बात कर ले इसकी कास्ट के ऊपर, तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन, तब्बू और ग्यारह आडवाणी देखने को मिलेंगे। इनके अलावा अमलू पादर, संजय मिश्रा, मिनेश कोनांज, करमवीर चौधरी और अक्षय शर्मा आपको मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आए, जहाँ पे कार्तिक आर्यन रूहान बंदावा रू बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं, तब उन्हें कनिष्का शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है, ग्यारह आडवाणी रीता ठाकुर का रोल प्ले कर रही हैं, लिहाजा छोटे पंडित का रोल प्ले करेगा जो पहले पार्ट में भी थे अमलू पादे के रोल में दिखाई देंगे, करमवीर चौधरी आपको मुख्य वेद के रोल में दिखाई देंगे, बाकी सभी कैरेक्टर संजय मिश्रा, मिलन गुना जी, इसके अलावा राजू शर्मा इनके रोल डिस्क्लोज नहीं है। फिल्म रिलीज हो जाएगी तो फिल्म की स्टोरी बोर्ड डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे।
जिस तरह से टीजर्स ट्रेलर्स आउट हुआ है, उससे बोल भलैया पार्ट वन में जिस तरह स्टोरी एंड हुई थी, जहाँ पर उसी मंजुलेखा को पाया गया था, और लेकिन कुछ सालों के बाद, 15-20 सालों के बाद अलग ही फैमिली आ चुके थे, सभी लोग बदल चुके हैं। वहाँ पर कार्तिक आर्यन आते हैं और वो ओरिजिनल बाबा है या फिर ठाक है, उसका किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक वो मंजुलिका का दरवाजा है वो तोड़ देते हैं, उसके बाद में सभी घटनाएं घटने लग जाती हैं, सुपर नेचुरल चीजें होने लग जाती हैं, उन सभी का सामना कैसे करेंगे। उसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना डीप वाला है, क्या वो ओरिजिनल बाबा है या अक्षय कुमार के साथ उनका कनेक्शन है, वो सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म बनाए रखेगी। और ज़्यादा कुछ ज़्यादा वो संजय मिश्रा जैसे बॉलिंग का एक्ट्रेस देखने को मिले जो कॉमेडी डिपार्टमेंट में अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। टेलर टीजर आउट होने वाला है, कार्तिक आर्यन का काम डिफरेंट नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है, जहाँ पर वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है अच्छे से हमारे सामने पेश करते हुए नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह है सभी फुल फीचर फिल्मों में कैसे लगती हैं। अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही, रिसेंट रही, तो स्क्रीन प्ले डायरेक्शन जबरदस्त रहेगा और फिर हिट हो सकती है। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उसे अंदाजा लगाया जा सकता है इस फिल्म का बस अच्छा खासा है। लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही हैं, लास्ट फिल्म जो फिल्म हिट हुई थी वो है द कास्ट कश्मीर फाइल के पास, काफ़ी सारी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, हीरो 22, साथ में रिनर 34, ऐसी बड़ी बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में डरसी नहीं चली थी, चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो, ऑडियंस को इतना एड्रेस नहीं होता बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर। चीज़ें होती हैं वो तो रिलीज डेट के ऊपर ही पता चलता है। रिलीज के ऊपर बात करें तो 20 मई 2022 को इसको रिलीज करवाने वाले हैं, सेंसर बोर्ड की तरफ से USA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस मिस्ट्री हॉरर जनर को देखने के लिए कुछ एक्शन की फिक्स रहती है, थोड़ी घबराहट वाली रहती है, फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ चीज़ें ड्रा आने रहती हैं, वो सभी चीज़ों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड एक्शन वाली होती है। उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी, फिल्म की परफॉर्मेंस, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, ये सभी चीज़ों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए। म्यूजिक और फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चीज़ या किसी भी फिल्म को उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, जहाँ पर संदीप एक पूरी तरह से दारोमदार रहने वाला है। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनली 30 जुलाई 2020 को रिलीज करने वाले COVID-19 के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई, बाद में थिएटर ओपन हुए, क्लोज हुए, थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हुए थे और ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी, फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही। फाइनली फिल्म को 20 मई 2022 में थिएटर में रिलीज करने वाले हैं। 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म शूटिंग करके इसके अलावा रैपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को। फिलहाल में 2-3 महीने पहले ही पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था। देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से तब रिलीज होते हैं, फिल्म रिलीज के बाद काफ़ी एक दो गाने आएंगे, वो सभी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। अब जब कभी भी फिल्म 20 मई 2023 थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कितना रहता है, कैसा पॉजिटिव माउथ रहता है, नेगेटिव माउथ रहता है, इस पर डिपेंड करता है कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर आउट हो रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस यूएसए में देखा जा रहा है, इस फिल्म का बस अच्छा खासा क्रिएट हुआ है। अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडियम है, 30-35 करोड़ का बजट है। अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम से 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा फर्क हो रहा है, जिसके चलते काफ़ी फ्लॉप हुई जा रही हैं। अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं, फिर हमें जैसे रिलीज होते भले ही रीमेक हो, लेकिन अच्छी रीमेक थी लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 2022 को ही पता चलेगा। अदरवाइज ट्रेलर में जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सॉन्ग जो सुनने को मिल रहे हैं, वहाँ पर काम लाजवाब नजर आ रहे हैं। धमा के रोल में अपना जबरदस्त दे रहे हैं, वो अपनी सीरीज में काफ़ी ज़बरदस्त हैं, उनका दोनों ने अच्छे से कास्ट किया हुआ है। राजपाल यादव से मिश्रा की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, साथ में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलेंगे, वो भी अच्छे हैं। स्टोरी के ऊपर पूरी दमदार का स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है, हॉरर एलिमेंट है, उसका काम किस तरह से किया जाता है, वो सभी चीज़ें
फिल्म को जबरदस्त बना सकते हैं। हॉरर कॉमेडी दोनों जॉनर को एक साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो डायरेक्ट सभी इन चीज़ों के साथ आने वाले टाइम के साथ पता चलेगा। इसके अलावा सनमा टीजर टीजर और ढोंगे तो लाजवाब हैं, तो इस टाइप की सनमाटोग्राफी देखने को मिलेगी। हॉरर कॉमेडी जॉनर है, इसके साथ एक अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा। सभी चीज़ों को अच्छे से शोकेस किया गया है, तो सीन का उदर बेहतर होता है। तो सभी चीज़ें ये ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है। म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है, कुछ चीज़ें रिक्रिएट की हुई हैं, कुछ नहीं डाले हुई हैं ट्रेलर में, वो अच्छा नज़र आ रहा है। साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है, टाइटल ट्रैक जो डिस्टेंस ने क्रिएट किया हुआ है, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं। पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला हिट हुआ था, वो काफ़ी ज़बरदस्त था, उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है। मुलबे वन की बात करें तो उसको फिर ऑफिशियल टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अभी सॉन्ग जिसका रन टाइम 154 मिनट है, इसको 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज किया गया था 32 करोड़ के बजट के सामने। 83 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ 2007 में, जिसको डायरेक्ट किया हुआ प्रियदर्शन ने, स्क्रीन पे निराधा वारा ने। और इस फिल्म की कहानी बुलबुले वन की कहानी है, मलयालम फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है। मती चित्रन थालू की जो ऑफिशियल रीमेक वर्जन है, अक्षय कुमार, मिता पिता, विद्या बालन, प्रेश रावल, मनोज जोशी, राजप्रद यादव बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप इस फिल्म के सभी चीज़ें ज़बरदस्त है। कॉमिक सीन है जहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से वर्क करी थी, जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो ज़बरदस्त है। फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित होने ये सभी चीज़ें बहुत बढ़िया टू को भी होगी। हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था, परफॉर्मेंस अच्छी थी। इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छे से काम किया हुआ था। रफिक सेक्टर था, हॉरर डिपार्टमेंट ज़बरदस्त था, जिस तरह से स्टोरी को एस्टेब्लिश किया हुआ था, स्क्रीन प्ले किया हुआ था, वो काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का। तो सेम अगर उसी तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूशन कमी ना नज़र आए, तो स्टोरी अच्छी हो, तो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो, तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है। फिलहाल में इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है, जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं कहा जा सकता कि फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी। अब हम बात करें रिलीज के ऊपर, तो 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज़ हो रही है। अगर वहाँ पर मिस कर देते हैं तो फिल्म को 2-3 महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज़ किया जाएगा। उससे पहले ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाएंगे। इसके लिए बुलबुले पार्ट भी ऊपर टी सीरीज के चैनल पर मिलेगा। आज का वीडियो बुलबुलैया 2 जो ऑफिशियली सीक्वल है बुलबुलैया पार्ट 1 2007 में जो रिलीज हुई थी अक्षय कुमार के साथ, इस फिल्म को बनाया गया था। बुलबुलैया 2 के साथ 2022 की इंडी हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। हॉरर कॉमेडी जो जॉनर होता है वैसे अपने आप में काफ़ी टफ जॉनर होता है। एक टाइम पर आप पर हंसाना, उसी टाइम पर आपको डराना, ये सभी चीज़ें एक साथ करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन बुलबुलैया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई भी हैं। उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई हुई हैं, स्त्री आई थी, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर गई थी। अब देखते हैं इस फिल्म के साथ लिस बर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। द राइटर की बात करें तो फराह सामजी या कास्ट कोर है जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पर फराह सामजी के साथ अता कोश ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, जहाँ पर कास्ट कोश ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा डायरेक्शन क्या है, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी फिल्में को डायरेक्ट किया हुआ है, यानी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाते हैं, एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म दी हुई है, जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त नाम है। उन्होंने इससे पहले काफ़ी ज़बरदस्त फिल्में दी हैं, रेडी थैंक यू, नो प्रॉब्लम, सैंडविच, नो एंट्री, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई हैं इस फिल्म के साथ, उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़िया हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, बोरा खेतानी, कृष्णा कुमार, ये 3 प्रोड्यूसर हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरत फिल्म हाउस में स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पर फिल्म का बजट तकरीबन 30 से 35 करोड़ बताया जा रहा है। तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया। फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग और टीजर और ट्रेलर में, वो काफ़ी रिच नज़र आ रहे हैं। जिस तरह सिनेमेटोग्राफी की गई है, जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है, वो सभी चीज़ें ज़बरदस्त हैं। जिस तरह से बुलबुलैया का टाइटल क्रिएट किया है, वो भी सुनने में अच्छा नज़र आ रहा है।
इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी के मनु आनंद ने, एडिटिंग के लिए बंदी नागिन ने, म्यूजिक दिया हुआ जाबर, स्कोर क्रिएट किया हुआ इसमें सोरेन ने और सॉन्ग क्रिएट किया हुआ प्रीतम और तनिष बाजी ने। जहाँ पर तनिष बाजी ने इस फिल्म को रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर प्रीतम ने ओरिजिनल सॉन्ग क्रिएट किए हुए थे। जो पार्ट वन में क्रिएट किया हुआ था उसका वर्जन देखने को मिलेगा, जहाँ पर पहला साउंड ट्रैक आपको मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर, टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है। और बोल प्लेयर 2 के टाइटल ट्रैक है हरे कृष्ण, जिसका रिमेक वर्जन अवेलेबल किया हुआ है, जिसके लिरिक्स लिखे हुए मेरे डिंगल ने और तमिश पाजी ने। सिंगर सैन है नीरज देश ने ओरिजिनल वर्जन दिया हुआ, उनके साथ मेलोडी और बॉक्स भी देखने को मिलेगा। गाने की लेंथ 3 मिनट 31 सेकेंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पांस मिल रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि फिल्म की गानों को किस तरह से आगे जाकर रिस्पांस मिलता है। एक ही गाना रिलीज हुआ, बाकी गाने बाकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की, तो ये फिल्म यानी अनंत रानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काफ़ी बड़ी है, ये फिल्म एक ऐसी इंडिया की कंपनी है जो बड़े लेवल पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है। किसी फिल्म को हिट होने के शायद कितनी भी फिल्म अच्छी है तो 30 अच्छी सेकेंड मिलनी चाहिए, ये फिल्म जरूर दिलवा सकती है। अब हम बात कर ले इसकी कास्ट के ऊपर, तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन, तब्बू और ग्यारह आडवाणी देखने को मिलेंगे। इनके अलावा अमलू पादर, संजय मिश्रा, मिनेश कोनांज, करमवीर चौधरी और अक्षय शर्मा आपको मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आए। जहाँ पे कार्तिक आर्यन रूहान बंदावा रू बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं, तब उन्हें कनिष्का शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। ग्यारह आडवाणी रीत ठाकुर का रोल प्ले कर रही हैं, पहले आज छोटे पंडित का रोल प्ले करेगा जो पहले पार्ट में भी थे, हम पार्ट के रोल में दिखाई देंगे। करमवीर चौधरी आपको मुख्य वेद के रोल में दिखाई देंगे। बाकी सभी कैरेक्टर संजय मिश्रा, मिलन गुना जी, इसके अलावा राजू शर्मा, इनके रोल डिस्क्लोज नहीं है। फिल्म रिलीज हो जाएगी तो फिल्म की स्टोरी बोर्ड डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। जिस तरह से ट्रेलर्स आउट हुआ है उससे बोल भलैया पार्ट वन में जिसका स्टोरी एंड हुई थी, जहाँ पर उसी मंजुलेखा को पाया गया था, और लेकिन कुछ सालों के बाद 15-20 सालों के बाद अलग ही फैमिली आ चुके थे, सभी लोग बदल चुके हैं। वहाँ पर कार्तिक आर्यन आते हैं और वो ओरिजिनल बाबा है या फिर ठाक है उसका किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक वो मंजुलेखा का दरवाज़ा है वो तोड़ देते हैं, उसके बाद में सभी घटनाएं घटने लग जाती हैं, सुपर नेचुरल चीज़ें होने लग जाती हैं, उन सभी का सामना कैसे करेंगे। उसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना डीप वाला है, क्या वो ओरिजिनल बाबा है या अक्षय कुमार के साथ उनका कनेक्शन है, वो सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म बनाए रखेगी। और ज़्यादा कुछ यादव वो संजय मिश्रा जैसे बॉलिंग का एक्ट्रेस देखने को मिले जो कॉमेडी डिपार्टमेंट में अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। टेलर टीजर आउट होने वाला है, कार्तिक आर्यन का काम डिफरेंट नज़र आ रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है, जहाँ पर वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है अच्छे से हमारे सामने पेश करते हुए नज़र आ रहा है। देखने वाली बात यह है सभी फुल फीचर फिल्मों में कैसे लेते हैं। अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही, डिसेंट रही, तो स्क्रीन प्ले डायरेक्शन ज़बरदस्त रहेगा और फिर हिट हो सकती है। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उसे अंदाजा लगाया जा सकता है इस फिल्म का बस अच्छा खासा है। लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही हैं, लास्ट फिल्म जो फिल्म हिट हुई थी वो है द कास्ट, कश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। हीरो 22, 34 ऐसी बड़ी बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में डरसी नहीं चली थी, चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो, ऑडियंस को इतना डर नहीं होता बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर। चीज़ें होती हैं वो तो रिलीज डेट के ऊपर ही पता चलता है। रिलीज के ऊपर बात करें तो 20 मई 2022 को इसको रिलीज करवाने वाले हैं। सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस मिस्ट्री हॉरर जनर को देखने के लिए कुछ एक्शन की फिक्स रहती है, थोड़ी घबराहट वाली रहती है, फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ चीज़ें ड्रा आने रहती हैं, वो सभी चीज़ों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड एक्शन वाली होती है। उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी, फिल्म की परफॉर्मेंस, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, ये सभी चीज़ों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए। म्यूजिक और फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चीज़ या किसी भी फिल्म को उठाने के लिए बैकग्राउंड को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। जहाँ पर संदीप एक पूरी तरह से दारोमदार रहने वाला है,
रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनली 30 जुलाई 2020 को रिलीज करने वाले COVID-19 के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई, बाद में थिएटर ओपन हुए, क्लोज हुए, थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हुए थे और ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी, फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही। फाइनली फिल्म को जिस मई 2022 में थिएटर में रिलीज करने वाले हैं, या 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म शूटिंग करके इसके अलावा रैपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को। फिलहाल में 2-3 महीने पहले ही पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था। देखने वाली बात यह है कि फिल्म के गाने वो पूरी तरह से तब रिलीज होते हैं, फिल्म रिलीज के बाद काफ़ी एक दो गाने आएंगे, वो सभी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। अब जब कभी भी फिल्म 20 मई 2023 थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कितना रहता है, कैसा पॉजिटिव माउथ रहता है, नेगेटिव माउथ रहता है, इस पर डिपेंड करता है कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर आउट हो रहे हैं, जिस तरह से प्रमोशन में देखा जा रहा है, इस फिल्म का बस अच्छा खासा क्रिएट हुआ है। अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडियम है, 30-35 करोड़ का बजट है। अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम से 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा फर्क हो रहा है, जिसके चलते काफ़ी फ्लॉप हुई जा रही हैं। अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं, फिल्में जैसे रिलीज होते भले ही रीमेक हो, लेकिन अच्छी रीमेक थी लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है, और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 2022 को ही पता चलेगा। अदरवाइज ट्रेलर में जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सॉन्ग जो सुनने को मिल रहे हैं, वहाँ पर काम लाजवाब नज़र आ रहे हैं। दावा के रोल में अपना ज़बरदस्त दे रहे हैं, वो अपनी सीरीज में काफ़ी ज़बरदस्त हैं, उनका दोनों ने अच्छे से कास्ट किया हुआ है। राजपाल यादव से मिश्रा की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, साथ में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलेंगे, वो भी अच्छे हैं। स्टोरी को पर पूरी दमदार का स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है, हॉरर एलिमेंट है, उसका काम किस तरह से किया जाता है, वो सभी चीज़ें फिल्म को ज़बरदस्त बना सकती हैं। हॉरर कॉमेडी दोनों जोनों को एक साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो डायरेक्ट सभी इन चीज़ों के साथ आने वाले टाइम के साथ पता चलेगा। इसके अलावा सनमा ऑटोग्राफर टीजर आउट होंगे तो लाजवाब हैं, तो इस टाइप की सनमा ऑटोग्राफी देखने को मिलेगी, हॉरर कॉमेडी जॉनर है। इसके साथ एक अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा, सभी चीज़ों को अच्छे से शोकेस किया गया है, तो सीन का उधर बेहतर होता है। तो सभी चीज़ें ये ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही। म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है, कुछ चीज़ें रिक्रिएट की हुई हैं, कुछ नहीं डाली हुई हैं, ट्रेलर में वो अच्छा नज़र आ रहा है। साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है, टाइटल ट्रैक जो डिस्टेंस ने क्रिएट किया हुआ है, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं। पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला हिट हुआ था, वो काफ़ी ज़बरदस्त था, उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है। बुलबे वन की बात करें तो उसको फिल्म ऑफिशियल टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अभी सॉन्ग जिसका टाइम 154 मिनट है, इसको 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज किया गया था, 32 करोड़ के बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ 2007 में, जिसको डायरेक्ट किया हुआ प्रियदर्शन ने, स्क्रीन पे निराधा वारा ने। और इस फिल्म की कहानी बुलबुले वन की कहानी है, मलयालम फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है, मति चित्रन थालू की जो ऑफिशियल रीमेक वर्जन है, अक्षय कुमार, मिता पिता, विद्या बालन, प्रेश रावल, मनोज जोशी, राजप्रद यादव बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप इस फिल्म के सभी चीज़ें ज़बरदस्त है, कॉमिक फिल्म ने जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से वर्क करी थी, जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो ज़बरदस्त है, फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित होने हो। ये सभी चीज़ें बोल भैया 2 को भी होगी, हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था, परफॉर्मेंस अच्छी थी। इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छे से काम किया हुआ था, ग्राफिक्स सेक्टर था, हॉरर डिपार्टमेंट ज़बरदस्त था, जिस तरह से स्टोरी को एस्टैब्लिश किया हुआ था, स्क्रीन प्ले किया हुआ था, वो काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का। तो सेम अगर उसी तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूशन कमी ना नज़र आए, तो स्टोरी अच्छी हो, तो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो, तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है। फिलहाल में इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है, जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं कहा जा सकता कि फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी। अब हम बात कर रिलीज़ के ऊपर, तो 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज़ हो रही है, अगर वहाँ पे मिस कर देते हैं तो फिल्म को 2-3 महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज़ किया जाएगा, उससे पहले ये फिल्म आपको
OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को ऑफिशियली इंजॉय कर पाएंगे। इसके लिए बुल प्ले पार्ट भी यूट्यूब पर टी सीरीज के चैनल पर मिलेगा। आज का वीडियो भूलभुलैया 2 जो ऑफिशियली सीक्वल है भूलभुलैया पार्ट 1 2007 में जो रिलीज हुई थी अक्षय कुमार के साथ, इस फिल्म को बनाया गया था। भूलभुलैया 2 के साथ 2022 की इंडी हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। हॉरर कॉमेडी जो जॉनर होता है वैसे अपने आप में काफ़ी टफ जॉनर होता है। एक टाइम पर आप पर हंसाना, उसी टाइम पर आपको डराना, ये सभी चीज़ें एक साथ करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन भूलभुलैया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई भी हैं। उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई हुई हैं, स्त्री आई थी, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर गई थी। अब देखते हैं इस फिल्म के साथ लिस बर्ग के जो डायरेक्टर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। द राइटर की बात करें तो फराह सामजी और कास्ट कोर जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पर फराह सामजी के साथ आता कोशिश ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, जहाँ पर आकाश कोशिश ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा डायरेक्शन क्या है, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी फिल्में को डायरेक्ट किया हुआ है, यानी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाते हैं, एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म दी हुई है, जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त नाम है। उन्होंने इससे पहले काफ़ी ज़बरदस्त फिल्में दी हैं, रेडी थैंक यू, नो प्रॉब्लम, सैंडविच, नो एंट्री, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई हैं इस फिल्म के साथ, उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़िया हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, मोरा खेतानी, कृष्णा कुमार, ये तीन प्रोड्यूसर हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सिले फिल्म हाउस स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पर फिल्म का बजट तकरीबन 30 से 35 करोड़ बताया जा रहा है। तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया। फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग और टीजर और ट्रेलर में वो काफ़ी रिच नज़र आ रहे हैं। जिस तरह सिनेमाटोग्राफी की गई है, जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है, वो सभी चीज़ें ज़बरदस्त हैं। जिस तरह से भूलभुलैया का टाइटल क्रिएट किया वो भी सुनने में अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किया मनु आनंद ने, एडिटिंग की भी बंदी नागिन ने, म्यूजिक दिया हुआ है जाबर, स्कोर क्रिएट किया हुआ है स्मिथ सोरेन ने, और सॉन्ग क्रिएट किया हुआ है प्रीतम और तनिष बाजी ने, जहाँ पर तनिष बाजी ने इस फिल्म को रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर प्रीतम ने ओरिजिनल सॉन्ग क्रिएट किए हुए थे। जो पार्ट 1 में क्रिएट किया था उसका वर्जन देखने को मिलेगा, जहाँ पर पहला साउंड ट्रैक आपको मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर, टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है। और भूलभुलैया 2 के टाइटल ट्रैक है हरे कृष्णा, जिसका रिमेक वर्जन अवेलेबल किया हुआ है, जिसके लिरिक्स लिखे हुए मेरे डिंगल ने और तमिश पाजी ने, सिंगर सैन है नीरज देश ने ओरिजिनल वर्जन दिया हुआ, उनके साथ मेलोडी और बॉक्स भी देखने को मिलेगा। गाने की लेंथ 3 मिनट 31 सेकेंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि फिल्म के गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है कि गाना रिलीज हुआ बाकी गाने बाकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर की, तो ये फिल्म सियानी अनंत रानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काफ़ी बड़ी है, ये फिल्म एक ऐसी इंडिया की कंपनी है जो बड़े लेवल पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है। किसी फिल्म को हिट होने के शायद कितनी भी फिल्म अच्छी है तो हटी अच्छी स्क्रीन मिलनी चाहिए, ये फिल्म जरूर दिलवा सकती है। अब हम बात कर ले इसकी कास्ट के ऊपर, तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन, तब्बू और ग्यारह आडवाणी देखने को मिलेंगे। इनके अलावा अमलू पादर, सज्जय मिश्रा, मिनस कोनांज, करमवीर चौधरी और अक्षय शर्मा आपको मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आए, जहाँ पे कार्तिक आर्यन रूहान बंदावा रू बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं, तब उन्हें कनिष्का शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है, ग्यारह आडवाणी रीत ठाकुर का रोल प्ले कर रही हैं, लिहाज छोटे पंडित का रोल प्ले करेगा जो पहले पार्ट में भी थे, अमल पाटे के रोल में दिखाई देंगे, करमवीर चौधरी आपको मुख्य वेद के रोल में दिखाई देंगे, बाकी सभी कैरेक्टर्स रहेंगे मिश्रा मिलन गुना जी, इसके अलावा राजेश शर्मा है, इनके रोल डिस्क्लोज नहीं है। फिल्म रिलीज हो जाएगी तो फिल्म के स्टोरी बोर्ड डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। जिस तरह से टीलर्स ट्रेलर्स आउट हुआ है उससे भूलभुलैया पार्ट 1 में जिस तरह स्टोरी एंड हुई थी, जहाँ पर उसी मंजुलेखा को पाया गया था, और लेकिन कुछ सालों के बाद 15-20 सालों के बाद अलग ही फैमिली आ चुके थे, सभी लोग बदल चुके हैं, वहाँ पर कार्तिक आर्यन आते हैं और वो ओरिजिनल बाबा है या फिर ठाक है उसका किसी को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक वो मंजुलेखा का दरवाज़ा है वो तोड़ देते हैं, उसके बाद में सभी
घटनाएं घटने लग जाती हैं, सुपर नेचुरल चीजें होने लग जाती हैं, उन सभी का सामना कैसे करेंगे। उसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना डीप वाला है, क्या वो ओरिजिनल बाबा है या अक्षय कुमार के साथ उनका कनेक्शन है, वो सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म बनाए रखेगी। और ज़्यादा कुछ यादव वो संजय मिश्रा जैसे फॉलिंग का एक्ट्रेस देखने को मिले जो कॉमेडी डिपार्टमेंट में अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। टेलर टीजर आउट होने वाला है, कार्तिक आर्यन का काम डिफरेंट नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है, जहाँ पर वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है अच्छे से हमारे सामने पेश करते हुए नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह है सभी फुल फीचर फिल्मों में कैसे लगती हैं। अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही, डिसेंट रही, तो स्क्रीन प्ले डायरेक्शन जबरदस्त रहेगा और फिर हिट हो सकती है। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उसे अंदाजा लगाया जा सकता है इस फिल्म का बस अच्छा खासा है। लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही हैं, लास्ट फिल्म जो फिल्म हिट हुई थी वो है द कास्ट, कश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। हीरो 22, 34 ऐसी बड़ी बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में जर्सी नहीं चली थी, चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो, ऑडियंस को इतना इंटरेस्ट नहीं होता बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर। चीज़ें होती हैं वो तो रिलीज डेट के ऊपर ही पता चलता है। रिलीज के ऊपर बात करें तो 20 मई 2022 को इसको रिलीज करवाने वाले हैं। सेंसर बोर्ड की तरफ से USA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस मिस्ट्री हॉरर जॉनर को देखने के लिए कुछ एक्शन की फिक्स रहती है, थोड़ी घबराहट वाली रहती है, फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ चीज़ें ड्रा आने रहती हैं, वो सभी चीज़ों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड एक्शन वाली होती है। उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी, फिल्म की परफॉर्मेंस, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, ये सभी चीज़ों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए। म्यूजिक हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ या किसी भी फिल्म को उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, जहाँ पर संदीप एक पूरी तरह से दारोमदार रहने वाला है। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनली 30 जुलाई 2020 को रिलीज करने वाले COVID-19 के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई, बाद में थिएटर ओपन हुए, क्लोज हुए, थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हुए थे और ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी, फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही। फाइनली फिल्म को जिस मई 2022 में थिएटर में रिलीज करने वाले हैं। यहाँ 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म शूटिंग करके इसके अलावा रैपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को। फिलहाल में 2-3 महीने पहले ही पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था। देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से तब रिलीज होते हैं, फिल्म रिलीज के बाद काफ़ी एक दो गाने आएंगे, वो सभी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। अब जब कभी भी फिल्म 20 मई 2023 में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कितना रहता है, कैसा पॉजिटिव माउथ रहता है, नेगेटिव माउथ रहता है, इस पर डिपेंड करता है कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर आउट हो रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ से देखा जा रहा है, इस फिल्म का बस अच्छा खासा क्रिएट हुआ है। अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडियम है, 30-35 करोड़ का बजट है। अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम से 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा फर्क हो रहा है जिसके चलते काफ़ी फ्लॉप हुई जा रही हैं। अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं, फिल्में जैसे रिलीज होते भले ही रीमेक हो लेकिन अच्छी रीमेक थी लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 2022 को ही पता चलेगा। अदरवाइज ट्रेलर में जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सॉन्ग जो सुनने को मिल रहे हैं, वहाँ पर काम लाजवाब नज़र आ रहे हैं। दावा के रोल में अपना ज़बरदस्त दे रहे हैं, वो अपनी सीरीज में काफ़ी ज़बरदस्त हैं, उनका दोनों ने अच्छे से कास्ट किया हुआ है। राजपाल यादव से मिश्रा की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, साथ में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलेंगे, वो भी अच्छे हैं। स्टोरी के ऊपर पूरी दमदार स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है, हॉरर एलिमेंट है, उसका काम किस तरह से किया जाता है, वो सभी चीज़ें फिल्म को ज़बरदस्त बना सकती हैं। और कॉमेडी दोनों जोनों को एक साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो डायरेक्ट सभी इन चीज़ों के साथ आने वाले टाइम के साथ पता चलेगा। इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी और होंगे तो लाजवाब हैं, तो इस टाइप की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी, हॉरर कॉमेडी जॉनर है, इसके साथ एक अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा, सभी चीज़ों को अच्छे से शोकेस किया गया है तो सीन काउंटर बेहतर होता है। सभी चीज़ें ये ट्रेलर देखते हुए
हमें अच्छी नजर आ रही है। म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है, कुछ चीजें रिक्रिएट की हुई हैं, कुछ नहीं डाली हुई हैं, ट्रेलर में वो अच्छा नजर आ रहा है। साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है, टाइटल ट्रैक जो डिस्टेंस ने क्रिएट किया हुआ है, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं। पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला हिट हुआ था, वो काफ़ी ज़बरदस्त था, उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है। बुल बे वन की बात करें तो उसको फिर ऑफिशियल टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अभी सॉन्ग जिसका रन टाइम 154 मिनट है, इसको 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज़ किया गया था 32 करोड़ के बजट के सामने, 83 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ 2007 में, जिसको डायरेक्ट किया हुआ प्रियदर्शन ने, स्क्रीन पे निराधा वारा ने। और इस फिल्म की कहानी बुलबुले वन की कहानी है, मलयालम फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है, मति चित्रंदर थालू की जो ऑफिशियल रीमेक वर्जन है, अक्षय कुमार, मिता पिता, विद्या बालन, प्रेश रावल, मनोज जोशी, राजप्रद्यादी बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप इस फिल्म के सभी चीज़ें ज़बरदस्त है, कॉमिक सीन ने जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से वर्क करी थी, जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो ज़बरदस्त है। फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित होने ये सभी चीज़ें बहुत बढ़िया टू को भी होगी। हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था, परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छे से काम किया हुआ था। ग्राफिक सेक्टर था, हॉरर डिपार्टमेंट ज़बरदस्त था, जिस तरह से स्टोरी को एस्टैब्लिश किया हुआ था, स्क्रीन प्ले किया हुआ था, वो काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का। तो सेम अगर उसी तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूशन कमी ना नज़र आए, तो स्टोरी अच्छी हो, तो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो, तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है। फिलहाल में इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है, जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं कहा जा सकता कि फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी। अब हम बात कर रिलीज़ के ऊपर, तो 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज़ हो रही है। अगर वहाँ पे मिस कर देते हैं तो फिल्म को 2-3 महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज़ किया जाएगा। उससे पहले ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाएंगे। इसके लिए बुल बे पार्ट भी ऊपर टी सीरीज के चैनल पर मिलेगा। आज का वीडियो बुल बुलैया 2 जो ऑफिशियली सीक्वल है बुल बुलैया पार्ट 1 2007 में जो रिलीज हुई थी अक्षय कुमार के साथ, इस फिल्म को बनाया गया था। बुल बुलैया 2 के साथ 2022 की इंडी हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। हॉरर कॉमेडी जो जॉनर होता है वैसे अपने आप में काफ़ी टफ जॉनर होता है। एक टाइम पर आप पर हंसाना, उसी टाइम पर आपको डराना, ये सभी चीज़ें एक साथ करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन भूल भुलैया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई भी हैं। उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई हुई हैं, स्त्री आई थी, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर गई थी। अब देखते हैं इस फिल्म के साथ लिस बर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। द राइटर की बात करें तो फरा सामजी और कास्ट कोर है, जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पर फरा सामजी के साथ अता कोश ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, जहाँ पर आकाश कोश ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा डायरेक्शन क्या है, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी फिल्में को डायरेक्ट किया हुआ है, यानी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाते हैं, एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म दी हुई है, जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त नाम है। उन्होंने इससे पहले काफ़ी ज़बरदस्त फिल्में दी हैं, रेडी थैंक यू, नो प्रॉब्लम, सैंडविच, नो एंट्री, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई हैं इस फिल्म के साथ, उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़िया हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, बोरा खेतानी, कृष्णा कुमार, ये 3 प्रोड्यूसर हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी फिल्म स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पर फिल्म का बजट तकरीबन 30-35 करोड़ बताया जा रहा है। तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया। फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग और टीजर और ट्रेलर में, वो काफ़ी रिच नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी की गई है, जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है, वो सभी चीज़ें ज़बरदस्त हैं। जिस तरह से बोल बुलैया का टाइटल क्रिएट किया है, वो भी सुनने में अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी के मनु आनंद ने, एडिटिंग की विया बंदी नागिन ने, म्यूजिक दिया हुआ है जाबर, स्कोर क्रिएट किया हुआ है स्मित सोरेन ने, और सॉन्ग क्रिएट किया हुआ है प्रीतम और तनिष बाजी ने, जहाँ पर तनिष बाजी ने इस फिल्म को रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर प्रीतम ने ओरिजिनल सॉन्ग क्रिएट किए हुए थे, जो पार्ट 1 में क्रिएट किया था उसका वर्जन देखने को मिलेगा।
यहाँ पर पहला साउंड ट्रैक आपको मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर, टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है। और बोल प्लेयर 2 के टाइटल ट्रैक है हरे राम हरे कृष्ण, जिसका रिमेक वर्जन अवेलेबल किया हुआ है, जिसके लिरिक्स लिखा हुआ मेरे डिंगल ने तमिश पाजी ने, सिंगर सैन है नीरज देश ने ओरिजिनल वर्जन दिया हुआ उनके साथ मेलोडी और बॉक्स भी देखने को मिलेगा। गाने की लेंथ 3 मिनट 31 सेकेंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पांस मिल रहा है। आप देखने वाली ये बात होगी कि फिल्म की गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पांस मिलता है कि गाना रिलीज हुआ बाकी गाने बाकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की, तो एक फिल्म शानी अनंत हरानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काफ़ी बड़ी है। ये फिल्म एक ऐसी इंडिया की कंपनी है जो बड़े लेवल पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है। किसी फिल्म को हिट होने के शायद कितनी भी फिल्म अच्छी है तो हड्डी अच्छी स्क्रीन मिलनी चाहिए, ये फिल्म जरूर दिलवा सकती है। अब हम बात कर ले इसकी कास्ट के ऊपर, तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन, तब्बू और ग्यारह आडवाणी देखने को मिलेंगे। इनके अलावा अमलू पादर, संजय मिश्रा, मिनेश कोनांज, करमवीर चौधरी और अक्षय शर्मा आपको मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आए। जहाँ पे कार्तिक आर्यन रूहान बंदावा रू बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं, तब उन्हें कनिष्का शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है, ग्यारह आडवाणी रीत ठाकुर का रोल प्ले कर रही हैं, लिहाज छोटे पंडित का रोल प्ले करेगा जो पहले पार्ट में भी थे, अमल पाते के रोल में दिखाई देंगे, करमवीर चौधरी आपको मुख्य वेद के रोल में दिखाई देंगे, बाकी सभी कैरेक्टर संजय मिश्रा, मिलंगुना जी, इसके अलावा राजेश शर्मा है, इनके रोल डिस्क्लोज नहीं है। तो फिल्म रिलीज हो जाएगी तो फिल्म की स्टोरी बोर्ड डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे, जिस तरह से ट्रेलर्स आउट हुआ है उससे बोल भलैया पार्ट वन में जिसका स्टोरी एंड हुई थी, जहाँ पर उसी मंजुलेखा को पाया गया था, और लेकिन कुछ सालों के बाद 15-20 सालों के बाद अलग ही फैमिली आ चुके थे, सभी लोग बदल चुके हैं, वहाँ पर कार्तिक आर्यन आते हैं और वो ओरिजिनल बाबा है या फिर ठाक है उसका किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक वो मंजुलेखा का दरवाज़ा है वो तोड़ देते हैं, उसके बाद में सभी घटनाएं घटने लग जाती हैं, सुपर नेचुरल चीज़ें होने लग जाती हैं, उन सभी का सामना कैसे करेंगे। उसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना डीप वाला है, क्या वो ओरिजिनल बाबा है या अक्षय कुमार के साथ उनका कनेक्शन है, वो सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म बनाए रखेगी। और ज़्यादा कुछ यादव वो संजय मिश्रा जैसे बॉलिंग का एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे जो कॉमेडी डिपार्टमेंट में अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। ट्रेलर टीज़र आउट होने वाला है, कार्तिक आर्यन का काम डिफरेंट नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है, जहाँ पर वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है अच्छे से हमारे सामने पेश करते हुए नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह है सभी फुल फीचर फिल्मों में कैसे लेते हैं, अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही डिसेंट रही तो स्क्रीन प्ले डायरेक्शन जबरदस्त रहेगा और फिर हिट हो सकती है। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उसे अंदाजे लगाया जा सकता है इस फिल्म का बस अच्छा खासा है, लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही हैं लास्ट फिल्म जो फिल्म हिट हुई थी वो है द कश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, हीरो 22, 34 ऐसी बड़ी बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में जर्सी नहीं चली थी, चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो ऑडियन को इतना एड्रेस नहीं होता बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर, चीज़ें होती हैं वो तो रिलीज डेट के ऊपर ही पता चलता है। रिलीज के ऊपर बात करें तो 20 मई 2022 को इसको रिलीज करवाने वाले हैं, सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस मिस्ट्री हॉरर जॉनर को देखने के लिए कुछ एक्शन की फिक्स रहती है, थोड़ी घबराहट वाली रहती है, फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ चीज़ें ड्रा आने रहती हैं, वो सभी चीज़ों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड एक्शन वाली होती है। उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी, फिल्म की परफॉर्मेंस, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, ये सभी चीज़ों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए। म्यूजिक हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चीज़ या किसी भी फिल्म को उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, जहाँ पर संदीप एक पूरी तरह से दारोमदार रहने वाला है। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनली 30 जुलाई 2020 को रिलीज करने वाले कोविड-19 के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई, बाद में थिएटर ओपन हुए क्लोज हुए, थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हुए थे और ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी, फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही, फाइनली फिल्म को 20 मई 2022 में थिएटर में रिलीज करने वाले हैं। यानी अक्टूबर 2019 को फिल्म शूटिंग करके
इसके अलावा रैपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को। फिलहाल में 2-3 महीने पहले ही पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था। देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से तब रिलीज होते हैं और फिल्म रिलीज के बाद काफ़ी एक दो गाने आएंगे, वो सभी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। अब जब कभी भी फिल्म 20 मई 2023 में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कितना रहता है, कैसा पॉजिटिव माउथ रहता है, नेगेटिव माउथ रहता है, इस पर डिपेंड करता है कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर आउट हो रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस से हमें देखा जा रहा है, इस फिल्म का बस अच्छा खासा क्रिएट हुआ है। अच्छा खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडियम है, 30-35 करोड़ का बजट है। अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम से 100 करोड़ के आसपास पर कैप्चर कर सकती है। अदरवाइज हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा फर्क हो रहा है जिसके चलते काफ़ी फ्लॉप हुई जा रही हैं। अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं, फिर हमें जैसे रिलीज होते भले ही रीमेक हो लेकिन अच्छी रीमेक थी लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 2022 को ही पता चलेगा। अदरवाइज ट्रेलर में जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सॉन्ग जो सुनने को मिल रहे हैं, वहाँ पर काम लाजवाब नज़र आ रहे हैं। दावा के रोल में अपना ज़बरदस्त दे रहे हैं, वो अपनी सीरीज में काफ़ी ज़बरदस्त हैं, उनका दोनों ने अच्छे से कास्ट किया हुआ है। राजपाल यादव से मिश्रा की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, साथ में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलेंगे, वो भी अच्छे हैं। स्टोरी के ऊपर पूरी दमदार का स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है, हॉरर एलिमेंट है, उसका काम किस तरह से किया जाता है, वो सभी चीज़ें फिल्म को ज़बरदस्त बना सकती हैं। हॉरर कॉमेडी दोनों जोनों को एक साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो डायरेक्ट सभी इन चीज़ों के साथ आने वाले टाइम के साथ पता चलेगा। इसके अलावा सनमा टीजर टीजर और ढोंगे तो लाजवाब हैं, तो इस टाइप की सनमाटोग्राफी देखने को मिलेगी, हॉरर कॉमेडी जॉनर है। इसके साथ एक अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा, सभी चीज़ों को अच्छे से शोकेस किया गया है तो सीन का उधर बेहतर होता है। ये सभी चीज़ें ये ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है। म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है कुछ चीज़ें रिक्रिएट की हुई हैं, कुछ नहीं डाली हुई हैं, ट्रेलर में वो अच्छा नज़र आ रहा है। साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है, टाइटल ट्रैक जो डिस्टन पे हमें क्रिएट किया हुआ है, इतना अच्छा भी नहीं है इतना बुरा भी नहीं। पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला हिट हुआ था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है। बुलबे वन की बात करें तो उसको फिर ऑफिशियल टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अभी सॉन्ग जिसका रन टाइम 154 मिनट है, इसको 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज किया गया था 32 करोड़ के बजट के सामने, 83 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ 2007 में, जिसको डायरेक्ट किया हुआ प्रियदर्शन ने, स्क्रीन पे निराधा वारा ने। और इस फिल्म की कहानी बुलबुले वन की कहानी है मलयालम फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है, मति चित्रंदर थालू की जो ऑफिशियल रीमेक वर्जन है, अक्षय कुमार, मिता पिता, विद्या बालन, प्रेश रावल, मनोज जोशी, राजप्रदी बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप इस फिल्म के सभी चीज़ें ज़बरदस्त है, कॉमिक फिल्म है जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से वर्क करी थी, जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो ज़बरदस्त है, फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित होने ये सभी चीज़ें बोल्ड भैया 2 को भी होगी। हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था, परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छे से काम किया हुआ था। ग्राफिक्स अच्छा था, हॉरर डिपार्टमेंट ज़बरदस्त था, जिस तरह से स्टोरी को एस्टैब्लिश किया हुआ था, स्क्रीन प्ले किया हुआ था वो काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का। तो सेम अगर उसी तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूशन कमी ना नज़र आए, तो स्टोरी अच्छी हो तो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है। फिलहाल में इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं कहा जा सकता कि फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी। अब हम बात कर रिलीज के ऊपर, तो 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज हो रही है, अगर वहाँ पे मिस कर देते हैं तो फिल्म को 2-3 महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज किया जाएगा। उससे पहले ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी, तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाएंगे। इसके लिए गुल्ड प्ले पार्ट भी यूट्यूब पर टी सीरीज के चैनल पर मिलेगा। आज का वीडियो भूलभुलैया 2 जो ऑफिशियली सीक्वल है भूलभुलैया पार्ट 1 2007 में जो रिलीज हुई थी अक्षय कुमार के साथ, इस फिल्म को बनाया गया था।
भूल भुलैया 2 के साथ 2022 की इंडी हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। हॉरर कॉमेडी जो जॉनर होता है वैसे अपने आप में काफी टफ जॉनर होता है। एक टाइम पर आप पर हंसाना, उसी टाइम पर आपको डराना, ये सभी चीजें एक साथ करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन भूल भुलैया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीजें करके दिखाई भी हैं। उसके बाद काफी सारी ऐसी फिल्में आई हुई हैं, स्त्री आई थी, ये सभी चीजें काफी जबरदस्त तरीके से वर्क करके थी। अब देखते हैं इस फिल्म के साथ लिस्बर्ग के जो डायरेक्टर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। द राइटर की बात करें तो फराह सामजी और कास्ट कोरे, जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पर फराह सामजी के साथ आता कोश ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, जहाँ पर आकाश कोश ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा डायरेक्शन क्या है, जिन्होंने इससे पहले काफी फिल्में को डायरेक्ट किया हुआ है, कॉमेडी फिल्मों के लिए जाते हैं, एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म दी हुई है, जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफी जबरदस्त नाम है। उन्होंने इससे पहले काफी जबरदस्त फिल्में दी हैं, रेडी थैंक यू, नो प्रॉब्लम, सैंडविच, नो एंट्री, काफी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई हैं इस फिल्म के साथ, उनसे उम्मीदें काफी बढ़िया हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, मोना खेतानी, कृष्णा कुमार, ये तीन प्रोड्यूसर हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सिलेक्ट फिल्म हाउस स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पर फिल्म का बजट तकरीबन 30 से 35 करोड़ बताया जा रहा है। तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया। फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग और टीजर और ट्रेलर में वो काफी रिच नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी की गई है, जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है, वो सभी चीजें जबरदस्त है। जिस तरह से भूल भुलैया का टाइटल क्रिएट किया है वो भी सुनने में अच्छा नजर आ रहा है। इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी के मनु आनंद ने, एडिटिंग की विया बंदी नागिन ने, म्यूजिक दिया हुआ है जाबर, स्कोर क्रिएट किया हुआ है इसमें सोरेन ने, और सॉन्ग क्रिएट किया हुआ है प्रीतम और तनिष बाजी ने, जहाँ पर तनिष बाजी ने इस फिल्म को रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर प्रीतम ने ओरिजिनल सॉन्ग क्रिएट किए हुए थे। जो पार्ट वन में क्रिएट किया था उसका वर्जन देखने को मिलेगा, जहाँ पर पहला साउंड ट्रैक आपको मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर, टी सीरीज के चैनल के ऊपर, जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है। और भूल भुलैया 2 के टाइटल ट्रैक है हरे राम हरे कृष्ण, जिसका रिमेक वर्जन अवेलेबल किया हुआ है, जिसके लिरिक्स लिखा हुआ मेरे डिंगल ने और तमिश पाजी ने, सिंगर सैन है नीरज, ओरिजिनल वर्जन दिया हुआ उनके साथ मेलोडी और बॉक्स भी देखने को मिलेगा। गाने की लेंथ 3 मिनट 31 सेकेंड, और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखने वाली ये बात होगी कि फिल्म की गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है, कि गाना रिलीज हुआ बाकी गाने बाकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर की, तो एयर फिल्म यानी अनंत हरानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काफ़ी बड़ी है, ये फिल्म एक ऐसी इंडिया की कंपनी है जो बड़े लेवल पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है। किसी फिल्म को हिट होने के शायद कितनी भी फिल्म अच्छी है तो हर ही अच्छी स्क्रीन मिलनी चाहिए, ये फिल्म जरूर दिलवा सकती है। अब हम बात कर ले इसकी कास्ट के ऊपर, तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन, तब्बू और ग्यारह आडवाणी देखने को मिलेंगे। इनके अलावा अमलू पादर, संजय मिश्रा, मिनेश कोनांज, करमवीर चौधरी और अक्षय शर्मा आपको मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आए, जहाँ पे कार्तिक आर्यन रूहान बंदावा रू बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं, तब उन्हें कनिष्का शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है, ग्यारह आडवाणी रीत ठाकुर का रोल प्ले कर रही हैं, पहले छोटे पंडित का रोल प्ले करेगा जो पहले पार्ट में भी थे, हम पार्टे के रोल में दिखाई देंगे, करूँगी चौधरी आपको मुख्य वेद के रोल में दिखाई देंगे, बाकी सभी कैरेक्टर संजय मिश्रा, मिलन गुना जी, इसके अलावा राजेश शर्मा है, इनके रोल डिस्क्लोज नहीं है। फिल्म रिलीज हो जाएगी तो फिल्म की स्टोरी बोर्ड डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। जिस तरह से टीजर्स ट्रेलर्स आउट हुआ है उससे भूल भुलैया पार्ट वन में जिसका स्टोरी एंड हुई थी, जहाँ पर उसी मंजुलेखा को पाया गया था, और लेकिन कुछ सालों के बाद 15-20 सालों के बाद अलग ही फैमिली आ चुके थे, सभी लोग बदल चुके हैं, वहाँ पर कार्तिक आर्यन आते हैं और वो ओरिजिनल बाबा है या फिर ठाक है उसका किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक वो मंजुलेखा का दरवाजा है वो तोड़ देते हैं, उसके बाद में सभी घटनाएं घटने लग जाती हैं, सुपर नेचुरल चीजें होने लग जाती हैं, उन सभी का सामना कैसे करेंगे। उसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना डीप वाला है, क्या वो ओरिजिनल बाबा है या अक्षय कुमार के साथ उनका कनेक्शन है, वो सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म बनाए रखेगी। और सादात यादव और संजय मिश्रा जैसे बॉलिंग का एक्ट्रेस देखने को मिले, जो कॉमेडी डिपार्टमेंट में
अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। टेलर टीजर आउट होने वाला है। कार्तिक कार्यन का काम डिफरेंट नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है। जहाँ पर वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है अच्छे से हमारे सामने पेश करते हुए नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह है सभी फुल फीचर फिल्मों में कैसे लेते हैं। अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही, डिसेंट रही, तो स्क्रीन प्ले डायरेक्शन जबरदस्त रहेगा और फिर हिट हो सकती है। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उसे अंदाजा लगाया जा सकता है इस फिल्म का बस अच्छा खासा है। लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही हैं, लास्ट फिल्म जो फिल्म हिट हुई थी वो है द कश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। हीरा 22, 34 ऐसी बड़ी बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में डरसी नहीं चली थी। चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो, ऑडियंस को इतना डर नहीं होता बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर। चीज़ें होती हैं वो तो रिलीज डेट के ऊपर ही पता चलता है। रिलीज के ऊपर बात करें तो 20 मई 2022 को इसको रिलीज करवाने वाले हैं। सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस मिस्ट्री हॉरर जनर को देखने के लिए कुछ एक्शन की फिक्स रहती है, थोड़ी घबराहट वाली रहती है। फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ चीज़ें डरावनी रहती हैं। वो सभी चीज़ों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड एक्शन वाली होती है। उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी, फिल्म की परफॉर्मेंस, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, ये सभी चीज़ों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए। म्यूजिक हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ या किसी भी फिल्म को उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। जहाँ पर संदीप एक पूरी तरह से दारोमदार रहने वाला है। रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनली 30 जुलाई 2020 को रिलीज करने वाले कोविड-19 के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई। बाद में थिएटर ओपन हुए, क्लोज हुए, थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हुए थे और ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी। फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही। फाइनली फिल्म को 20 मई 2022 में थिएटर में रिलीज करने वाले हैं। 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म शूटिंग करके इसके अलावा रैपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को। फिलहाल में 2-3 महीने पहले ही पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था। देखने वाली बात यह है कि फिल्म के गाने वो पूरी तरह से तब रिलीज होते हैं और फिल्म रिलीज के बाद काफ़ी एक दो गाने आएंगे, वो सभी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। अब जब कभी भी फिल्म 20 मई 2020 थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कितना रहता है, कैसा पॉजिटिव माउथ रहता है, नेगेटिव माउथ रहता है, इस पर डिपेंड करता है कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर आउट हो रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ से देखा जा रहा है, इस फिल्म का बस अच्छा खासा क्रिएट हुआ है। अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडियम है, 30-35 करोड़ का बजट है। अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम से 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा करक हो रहा है जिसके चलते काफ़ी फ्लॉप हुई जा रही हैं। अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं। फिर हमें जैसे रिलीज होते भले ही रीमेक हो लेकिन अच्छी रीमेक थी लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 2022 को ही पता चलेगा। अदरवाइज ट्रेलर में जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सॉन्ग जो सुनने को मिल रहे हैं, वहाँ पर काम लाजवाब नज़र आ रहे हैं। धमा के रोल में अपना ज़बरदस्त दे रहे हैं, वो अपनी सीरीज में काफ़ी ज़बरदस्त हैं। उनका दोनों ने अच्छे से कास्ट किया हुआ है। राजपाल यादव से मिश्रा की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, साथ में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलेंगे, वो भी अच्छे हैं। स्टोरी के ऊपर पूरी दमदार का स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है, हॉरर एलिमेंट है उसका काम किस तरह से किया जाता है, वो सभी चीज़ें फिल्म को ज़बरदस्त बना सकते हैं। और कॉमेडी दोनों जोनों को एक साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल है तो डायरेक्ट सभी इन चीज़ों के साथ आने वाले टाइम के साथ पता चलेगा। इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी आउट होंगे तो लाजवाब हैं, तो इस टाइप की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी। हॉरर कॉमेडी जॉनर है, इसके साथ एक अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा। सभी चीज़ों को अच्छे से शोकेस किया गया है तो सीन का उधर बेहतर होता है। तो सभी चीज़ें ये ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है। म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है कुछ चीज़ें रिक्रिएट की हुई हैं, कुछ नहीं डाली हुई हैं ट्रेलर में, वो अच्छा नज़र आ रहा है। साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है, टाइटल ट्रैक जो डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है, इतना अच्छा भी नहीं है इतना बुरा भी नहीं। पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला हिट हुआ था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, उसके सामने ये ठीक नज़र आ रहा है।
मुलबे वन की बात करें तो उसको फिर ऑफिशियल टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अभी सॉन्ग जिसका रन टाइम 154 मिनट है, इसको 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज किया गया था 32 करोड़ के बजट के सामने। 83 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ 2007 में, जिसको डायरेक्ट किया हुआ प्रियदर्शना ने, स्क्रीन पे निराधा वारा ने। और इस फिल्म की कहानी बुलबुले वन की कहानी है, मलयालम फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है। मति चित्रन थालू की जो ऑफिशियल रीमेक वर्जन है, अक्षय कुमार, मीता पित्रा, विद्या बालन, प्रेश रावल, मनोज जोशी, राजप्रदे बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप इस फिल्म के सभी चीज़ें ज़बरदस्त है। कॉमिक सीन ने जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से वर्क करी थी, जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो ज़बरदस्त है। फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित होने ये सभी चीज़ें बहुत बढ़िया टू को भी होगी। हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था, परफॉर्मेंस अच्छी थी। इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छे से काम किया हुआ था। देख सकते थे हॉरर डिपार्टमेंट ज़बरदस्त था, जिस तरह से स्टोरी को एस्टेब्लिश किया हुआ था, स्क्रीन प्ले किया हुआ था, वो काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का। तो सेम अगर उसी तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूशन कमी ना नज़र आए, तो स्टोरी अच्छी हो, तो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो, तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है। फिलहाल में इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है, जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं कहा जा सकता कि फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी। अब हम बात कर रहे हैं रिलीज के ऊपर, तो 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज हो रही है। अगर वहाँ पे मिस कर देते हैं तो फिल्म को 2-3 महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज किया जाएगा। उससे पहले ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाएंगे। इसके लिए बुलबुले पार्ट भी यूट्यूब पर टी सीरीज के चैनल पर मिलेगा। आज का वीडियो बुलबुलैया 2 जो ऑफिशियली सीक्वल है बुलबुलैया पार्ट 1 2007 में जो रिलीज हुई थी अक्षय कुमार के साथ, इस फिल्म को बनाया गया था। बुलबुलैया 2 के साथ 2022 की इंडी हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। हॉरर कॉमेडी जो जॉनर होता है वैसे अपने आप में काफ़ी टफ जॉनर होता है। एक टाइम पर आप पर हंसाना, उसी टाइम पर आपको डराना, ये सभी चीज़ें एक साथ करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन बुलबुलैया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई हुई हैं। उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई हुई हैं, स्त्री आई थी, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर गई थी। अब देखते हैं इस फिल्म के साथ लिस बर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। द राइटर की बात करें तो फराह सामजी और कास्ट कोर जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पर फराह सामजी के साथ अमिताभ कोश्यारी ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, जहाँ पर आकाश कोश्यारी ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा डायरेक्शन किया है जिन्होंने इससे पहले काफ़ी फिल्में को डायरेक्ट किया हुआ है, यानी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाते हैं, एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म दी हुई है, जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त नाम है। उन्होंने इससे पहले काफ़ी ज़बरदस्त फिल्में दी हैं, रेडी थैंक यू, नो प्रॉब्लम, सैंडविच, नो एंट्री, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई हैं इस फिल्म के साथ, उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़िया हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, मोना खेतानी, कृष्णा कुमार, ये 3 प्रोड्यूसर हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी फिल्म स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पर फिल्म का बजट तकरीबन 30 से 35 करोड़ बताया जा रहा है। तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया। फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग और टीजर और ट्रेलर में वो काफ़ी रिच नज़र आ रहा है। जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी की गई है, जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है, वो सभी चीज़ें ज़बरदस्त हैं। जिस तरह से बुलबुलैया का टाइटल क्रिएट किया है वो भी सुनने में अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी किया मनु आनंद ने, एडिटिंग की भी बंदी नागिन ने, म्यूजिक दिया हुआ है जाबर, स्कोर क्रिएट किया हुआ है स्मिथ सोरेन ने, और सॉन्ग क्रिएट किया हुआ है प्रीतम और तनिष बाजी ने, जहाँ पर तनिष बाजी ने इस फिल्म को रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर प्रीतम ने ओरिजिनल सॉन्ग क्रिएट किए हुए थे। जो पार्ट 1 में क्रिएट किया हुआ था उसका वर्जन देखने को मिलेगा, जहाँ पर पहला साउंड ट्रैक आपको मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर, टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है। और बुलबुलैया 2 के टाइटल ट्रैक है हरे राम हरे कृष्ण, जिसका रिमेक वर्जन अवेलेबल किया हुआ है, जिसके लिरिक्स लिखा हुआ मेरे डिंगल ने और तमिश पाजी ने, सिंगर सैन है नीरज देसाई, ओरिजिनल वर्जन दिया हुआ उनके साथ मेलोडी और बॉक्स भी देखने को मिलेगा। गाने की लेंथ 3 मिनट 31 सेकेंड।
और इस गाने को डिसेंट रिस्पांस मिला है। अब देखने वाली ये बात होगी कि फिल्म के गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पांस मिलता है। एक ही गाना रिलीज हुआ, बाकी गाने बाकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर की, तो एक फिल्म सियाने अनंतरानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काफ़ी बड़ी है। ये फिल्म एक ऐसी इंडिया की कंपनी है जो बड़े लेवल पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है। किसी फिल्म को हिट होने के शायद कितनी भी फिल्म अच्छी है तो हड्डी अच्छी स्क्रीन मिलनी चाहिए, ये फिल्म जरूर दिलवा सकती है। अब हम बात कर ले इसकी कास्ट के ऊपर, तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन, तब्बू और ग्यारह आडवाणी देखने को मिलेंगे। इनके अलावा अमलू पादर, संजय मिश्रा, मिनेश कोनांज, करमवीर चौधरी और अक्षय शर्मा आपको मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आए। जहाँ पे कार्तिक आर्यन रूहान बंदावा रू बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं, तब उन्हें कनिष्का शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। ग्यारह आडवाणी रीत ठाकुर का रोल प्ले कर रही हैं। लिहाज में छोटे पंडित का रोल प्ले करे हुए हैं जो पहले पार्ट में भी थे, हम पाते के रोल में दिखाई देंगे। करमवीर चौधरी आपको मुख्य वेद के रोल में दिखाई देंगे। बाकी सभी कैरेक्टर संजय मिश्रा, मिलन गुना जी, इसके अलावा राजू शर्मा है, इनके रोल डिस्क्लोज नहीं है। तो फिल्म रिलीज हो जाएगी तो फिल्म की स्टोरी बोर्ड डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। जिस तरह से ट्रेलर्स आउट हुआ है उससे भूल भुलैया पार्ट वन में जिस तरह स्टोरी एंड हुई थी, जहाँ पर उसी मंजुलेखा को पाया गया था, और लेकिन कुछ सालों के बाद 15-20 सालों के बाद अलग ही फैमिली आ चुके थे, सभी लोग बदल चुके हैं। वहाँ पर कार्तिक आर्यन आते हैं और वो ओरिजिनल बाबा है या फिर ठाक है उसका किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक वो मंजुलेखा का दरवाज़ा है वो तोड़ देते हैं। उसके बाद में सभी घटनाएं घटने लग जाती हैं, सुपरनेचुरल चीज़ें होने लग जाती हैं, उन सभी का सामना कैसे करेंगे। उसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना डीप वाला है, क्या वो ओरिजिनल बाबा है या अक्षय कुमार के साथ उनका कनेक्शन है, वो सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म बनाए रखेगी। और ज़्यादा कुछ यादव वो संजय मिश्रा जैसे बॉलिंग का एक्ट्रेस देखने को मिले जो कॉमेडी डिपार्टमेंट में अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। टेलर टीजर आउट होने वाला है, कार्तिक आर्यन का काम डिफरेंट नज़र आ रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है। जहाँ पर वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है अच्छे से हमारे सामने पेश करते हुए नज़र आ रहा है। देखने वाली बात यह है सभी फुल फीचर फिल्मों में कैसे लेती हैं। अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही, डिसेंट रही, तो स्क्रीन प्ले डायरेक्शन ज़बरदस्त रहेगा और फिर हिट हो सकती है। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उसे अंदाजा लगाया जा सकता है इस फिल्म का बस अच्छा खासा है। लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही हैं, लास्ट फिल्म जो फिल्म हिट हुई थी वो है द कास्ट कश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। हीरो 22, 34 ऐसी बड़ी बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में डरसी नहीं चली थी, चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो, ऑडियंस को इतना एड्रेस नहीं होता बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर। चीज़ें होती हैं वो तो रिलीज डेट के ऊपर ही पता चलता है। रिलीज के ऊपर बात करें तो 20 मई 2022 को इसको रिलीज करवाने वाले हैं। सेंसर बोर्ड की तरफ से USA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस मिस्ट्री हॉरर जनर को देखने के लिए कुछ एक्शन की फिक्स रहती है, थोड़ी घबराहट वाली रहती है, फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ चीज़ें ड्रा आने रहती हैं, वो सभी चीज़ों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड एक्शन वाली होती है। उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी, फिल्म की परफॉर्मेंस, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, ये सभी चीज़ों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए। म्यूजिक और फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ या किसी भी फिल्म को उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। जहाँ पर संदीप एक पूरी तरह से दारोमदार रहने वाला है। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनली 30 जुलाई 2020 को रिलीज करने वाले COVID-19 के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई, बाद में थिएटर ओपन हुए, क्लोज हुए, थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हुए थे और ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी, फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही। फाइनली फिल्म को 20 मई 2022 में थिएटर में रिलीज करने वाले हैं। 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म शूटिंग करके इसके अलावा रैपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को। फिलहाल में 2-3 महीने पहले ही पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था। देखने वाली बात यह है कि फिल्म के गाने वो पूरी तरह से तब रिलीज होते हैं, फिल्म रिलीज के बाद काफ़ी एक दो गाने आएंगे, वो सभी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। अब जब कभी भी फिल्म 20 मई 2023 थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कितना रहता है, कैसा पॉजिटिव माउथ रहता है, नेगेटिव माउथ रहता है,
इस पर डिपेंड करता है कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर आउट हो रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस में देखा जा रहा है, इस फिल्म का बस अच्छा खासा क्रिएट हुआ है। अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडियम है, 30-35 करोड़ का बजट है। अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम से 100 करोड़ के आसपास का कैप्चर कर सकते हैं। अदरवाइज हिंदी फिल्मों का काफ़ी बड़ा फर्क हो रहा है, जिसके चलते काफ़ी फ्लॉप हुई जा रही हैं। अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं। फिर हमें जैसे रिलीज होते भले ही रीमेक हो, लेकिन अच्छी रीमेक थी, लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है, और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 2022 को ही पता चलेगा। अदरवाइज ट्रेलर में जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सॉन्ग जो सुनने को मिल रहे हैं, वहाँ पर काम लाजवाब नज़र आ रहे हैं। उन दवा के रोल में अपना ज़बरदस्त दे रहे हैं, वो अपनी सीरीज में काफ़ी ज़बरदस्त हैं। उनका दोनों ने अच्छे से कास्ट किया हुआ है। राजपाल यादव से मिश्रा की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, साथ में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलेंगे, वो भी अच्छे हैं। स्टोरी के ऊपर पूरी दमदार का स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है, हॉरर एलिमेंट है, उसका काम किस तरह से किया जाता है, वो सभी चीज़ें फिल्म को ज़बरदस्त बना सकती हैं। हॉरर कॉमेडी दोनों जोनों को एक साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो डायरेक्ट सभी इन चीज़ों के साथ आने वाले टाइम के साथ पता चलेगा। इसके अलावा सनमा ऑटोग्राफर टीजर आउट होंगे तो लाजवाब हैं, तो इस टाइप की सनमा ऑटोग्राफी देखने को मिलेगी। हॉरर कॉमेडी जॉनर है, इसके साथ एक अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा। सभी चीज़ों को अच्छे से शोकेस किया गया है, तो सीन काउंटर बेहतर होता है। तो सभी चीज़ें ये ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है। म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है, कुछ चीज़ें रिक्रिएट की हुई हैं, कुछ नहीं डाली हुई हैं ट्रेलर में, वो अच्छा नज़र आ रहा है। साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है, टाइटल ट्रैक जो डिस्टेंट वे में क्रिएट किया हुआ है, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं। पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला हिट हुआ था, वो काफ़ी ज़बरदस्त था, उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है। बुलबे वन की बात करें तो उसको फिर ऑफिशियल टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। सॉन्ग जिसका रन टाइम 154 मिनट है, इसको 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज किया गया था। 32 करोड़ के बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ 2007 में, जिसको डायरेक्ट किया हुआ प्रियदर्शन ने, स्क्रीन पे निराधा वारा ने। और इस फिल्म की कहानी बुलबुले वन की कहानी है, मलयालम फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है। मती चित्रन ढालू की जो ऑफिशियल रीमेक वर्जन है, अक्षय कुमार, मिता पिता, विद्या बालन, प्रेश रावल, मनोज जोशी, राजप्रद यादव बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप इस फिल्म के सभी चीज़ें ज़बरदस्त है। कॉमिक सीन ने जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से वर्क करी थी, जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो ज़बरदस्त है। फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित होने ये सभी चीज़ें बोल भैया 2 को भी होगी। हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था, परफॉर्मेंस अच्छी थी। इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छे से काम किया हुआ था। रफिक सेक्टर था, हॉरर डिपार्टमेंट ज़बरदस्त था। जिस तरह से स्टोरी को एस्टैब्लिश किया हुआ था, स्क्रीन प्ले किया हुआ था, वो काफ़ी बेहतरीन थी। उन सभी चीज़ों का तो सेम, अगर उसी तरह से चीज़ों का एग्जीक्यूशन कमी ना नज़र आए, तो स्टोरी अच्छी हो, तो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो, तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है। फिलहाल में इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है, जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं कहा जा सकता कि फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी। अब हम बात कर रिलीज के ऊपर, तो 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज़ हो रही है। अगर वहाँ पर मिस कर देते हैं तो फिल्म को 2-3 महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज़ किया जाएगा। उससे पहले ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाएंगे। इसके लिए बुलबुले पार्ट भी ऊपर टी सीरीज के चैनल पर मिलेगा। आज का वीडियो बुलबुलैया 2 जो ऑफिशियली सीक्वल है बुलबुलैया पार्ट 1 2007 में जो रिलीज हुई थी, अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। बुलबुलैया 2 के साथ 2022 की इंडी हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। हॉरर कॉमेडी जो जॉनर होता है, वैसे अपने आप में काफ़ी टफ जॉनर होता है। एक टाइम पर आप पर हंसाना, उसी टाइम पर आपको डराना, ये सभी चीज़ें एक साथ करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन बुलबुलैया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई हुई हैं। उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई हुई हैं, स्त्री आई थी, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर गई थी। अब देखते हैं इस फिल्म के साथ
लिसबर्ग के जो डायरेक्टर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। द राइटर की बात करें तो फरह सामजी या कास्कोर है जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पर फरह सामजी के साथ अर्था कोश ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, जहाँ पर आकाश कोश ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा डायरेक्शन क्या है, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी फिल्में को डायरेक्ट किया हुआ है, आई मीन कॉमेडी फिल्मों के लिए जाते हैं, एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म दी हुई है, जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त नाम है। उन्होंने इससे पहले काफ़ी ज़बरदस्त फिल्में दी हैं, रेडी थैंक यू, नो प्रॉब्लम, सैंडविच, नो एंट्री, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई हैं इस फिल्म के साथ, उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़िया हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, मोना खेतानी, कृष्णा कुमार, ये तीन प्रोड्यूसर हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी फिल्म हाउस स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पर फिल्म का बजट तकरीबन 30 से 35 करोड़ बताया जा रहा है। तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया, फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग और टीजर और ट्रेलर में वो काफ़ी रिच नज़र आ रहे हैं, जिस तरह सिनेमाटोग्राफी की गई है, जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है वो सभी चीज़ें ज़बरदस्त हैं, जिस तरह से बोल भुलैया का टाइटल क्रिएट किया है वो भी सुनने में अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी के मनु आनंद ने, एडिटिंग की भी बंदी नागिन ने, म्यूजिक दिया हुआ है जाबर, स्कोर क्रिएट किया हुआ है स्मिथ सोरेन ने और सॉन्ग क्रिएट किया हुआ है प्रीतम और तनिष बाजी ने, जहाँ पर तनिष बाजी ने इस फिल्म को रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर प्रीतम ने ओरिजिनल सॉन्ग क्रिएट किए हुए थे, जो पार्ट वन में क्रिएट किया हुआ था उसका वर्जन देखने को मिलेगा, जहाँ पर पहला साउंड ट्रैक आपको मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर, टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है। और बोल प्लेयर 2 के टाइटल ट्रैक है हरे राम हरे कृष्ण, जिसका रिमेक वर्जन अवेलेबल किया हुआ है, जिसके लिरिक्स लिखा हुआ मेरे डिंगल ने और तमिश पाजी ने, सिंगर सैन है नीरज देसी, ओरिजिनल वर्जन दिया हुआ उनके साथ मेलोडी और बॉक्स भी देखने को मिलेगा। गाने की लेंथ 3 मिनट 31 सेकेंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि फिल्म की गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है, कि गाना रिलीज हुआ बाकी गाने बाकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर की, तो ये फिल्म यानी अनंत रानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काफ़ी बड़ी है, ये फिल्म एक ऐसी इंडिया की कंपनी है जो बड़े लेवल पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है। किसी फिल्म को हिट होने के शायद कितनी भी फिल्म अच्छी है तो हड्डी अच्छी स्क्रीन मिलनी चाहिए, ये फिल्म जरूर दिलवा सकती है। अब हम बात कर ले इसकी कास्ट के ऊपर, तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन, तब्बू और ग्यारह आडवाणी देखने को मिलेंगे, इनके अलावा अमलू पादर, संजय मिश्रा, मिनेश कोनांज, करमवीर चौधरी और अक्षय शर्मा आपको मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आए, जहाँ पे कार्तिक आर्यन रूहान बंदावा रू बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं, तब उन्हें कनिष्का शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है, ग्यारह आडवाणी रीत ठाकुर का रोल प्ले कर रही हैं, पहले आदमी छोटे पंडित का रोल प्ले करे हुए जो पहले पार्ट में भी थे, हम पाते के रोल में दिखाई देंगे, करमवीर चौधरी आपको मुख्य वेद के रोल में दिखाई देंगे, बाकी सभी कैरेक्टर संजय मिश्रा, मिलन गुना जी, इसके अलावा राजू शर्मा, इनके रोल डिस्क्लोज नहीं है। फिल्म रिलीज हो जाएगी तो फिल्म की स्टोरी बोर्ड डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे, जिस तरह से टीलर्स ट्रेलर्स आउट हुआ है उससे भूल भुलैया पार्ट वन में जिस तरह स्टोरी एंड हुई थी, जहाँ पर उसी मंजुलेखा को पाया गया था, और लेकिन कुछ सालों के बाद 15-20 सालों के बाद अलग ही फैमिली आ चुके थे, सभी लोग बदल चुके हैं, वहाँ पर कार्तिक आर्यन आते हैं और वो ओरिजिनल बाबा है या फिर ठाक है उसका किसी को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक वो मंजुलेखा का दरवाज़ा है वो तोड़ देते हैं, उसके बाद में सभी घटनाएं घटने लग जाती हैं, सुपर नेचुरल चीज़ें होने लग जाती हैं, उन सभी का सामना कैसे करेंगे। उसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना डीप वाला है, क्या वो ओरिजिनल बाबा है या अक्षय कुमार के साथ उनका कनेक्शन है, वो सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म बनाए रखेगी। और ज़्यादा कुछ यादव वो संजय मिश्रा जैसे का एक्ट्रेस देखने को मिले जो कॉमेडी डिपार्टमेंट में अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। ट्रेलर टीजर आउट होने वाला है, कार्तिक आर्यन का काम डिफरेंट नज़र आ रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है, जहाँ पर वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है अच्छे से हमारे सामने पेश करते हुए नज़र आ रहा है। देखने वाली बात यह है सभी फुल फीचर फिल्मों में कैसे लगती हैं, अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही, डिसेंट रही, तो स्क्रीन प्ले डायरेक्शन ज़बरदस्त रहेगा और फिर हिट हो सकती है। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस फिल्म का बस अच्छा खासा है, लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही हैं
लास्ट फिल्म जो फिल्म हिट हुई थी वो है द कश्मीर फाइल के बाद काफी सारी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। हीरो 22, साथ में 34, ऐसी बड़ी बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में डरसी नहीं चली थी, चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो, ऑडियंस को इतना डर नहीं होता बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर। चीज़ें होती हैं वो तो रिलीज डेट के ऊपर ही पता चलता है। रिलीज के ऊपर बात करें तो 20 मई 2022 को इसको रिलीज करवाने वाले हैं। सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस मिस्ट्री हॉरर जनर को देखने के लिए कुछ एक्शन की फिक्स रहती है, थोड़ी घबराहट वाली रहती है। फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ चीज़ें ड्रा आने रहती हैं, वो सभी चीज़ों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड एक्शन वाली होती है। उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी, फिल्म की परफॉर्मेंस, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, ये सभी चीज़ों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए। म्यूजिक हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ या किसी भी फिल्म को उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, जहाँ पर संदीप एक पूरी तरह से दारोमदार रहने वाला है। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनली 30 जुलाई 2020 को रिलीज करने वाले कोविड-19 के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई, बाद में थिएटर ओपन हुए, क्लोज हुए, थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हुए थे और ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी, फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही। फाइनली फिल्म को 20 मई 2022 में थिएटर में रिलीज करने वाले हैं, या 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म शूटिंग करके इसके अलावा रैपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को। फिलहाल में 2-3 महीने पहले ही पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था। देखने वाली बात यह है कि फिल्म के गाने वो पूरी तरह से तब रिलीज होते हैं, फिल्म रिलीज के बाद काफ़ी एक दो गाने आएंगे, वो सभी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। अब जब कभी भी फिल्म 20 मई 2023 में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कितना रहता है, कैसा पॉजिटिव माउथ रहता है, नेगेटिव माउथ रहता है, इस पर डिपेंड करता है कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर आउट हो रहे हैं, जिस तरह से प्रमोशन में देखा जा रहा है, इस फिल्म का बस अच्छा खासा क्रिएट हुआ है। अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडियम है, 30-35 करोड़ का बजट है। अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम से 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा फर्क हो रहा है, जिसके चलते काफ़ी फ्लॉप हुई जा रही हैं। अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं, फिर हमें जैसे रिलीज होते भले ही रीमेक हो, लेकिन अच्छी रीमेक थी लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 2022 को ही पता चलेगा। अदरवाइज ट्रेलर में जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सॉन्ग जो सुनने को मिल रहे हैं, वहाँ पर काम लाजवाब नजर आ रहे हैं। उन दावा के रोल में अपना ज़बरदस्त दे रहे हैं, वो अपनी सीरीज में काफ़ी ज़बरदस्त हैं, उनका दोनों ने अच्छे से कास्ट किया हुआ है। राजपाल यादव से मिश्रा की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, साथ में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलेंगे, वो भी अच्छे हैं। स्टोरी के ऊपर पूरी दमदार का स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है, हॉरर एलिमेंट है उसका काम किस तरह से किया जाता है, वो सभी चीज़ें फिल्म को ज़बरदस्त बना सकती हैं। हॉरर कॉमेडी दोनों जोनों को एक साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो डायरेक्ट सभी इन चीज़ों के साथ आने वाले टाइम के साथ पता चलेगा। इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी और होंगे तो लाजवाब हैं, तो इस टाइप की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी, हॉरर कॉमेडी जॉनर है, इसके साथ एक अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा, सभी चीज़ों को अच्छे से शोकेस किया गया है तो सीन का उधर बेहतर होता है। तो सभी चीज़ें ये ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है। म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है कुछ चीज़ें रिक्रिएट की हुई हैं, कुछ नहीं डाली हुई हैं, ट्रेलर में वो अच्छा नज़र आ रहा है। साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है, टाइटल ट्रैक जो डिस्टेंट वे में क्रिएट किया हुआ है, इतना अच्छा भी नहीं है इतना बुरा भी नहीं। पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला हिट हुआ था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है। बुलबे वन की बात करें तो उसको फिल्म ऑफिशियल टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अभी सॉन्ग जिसका रन टाइम 154 मिनट है, इसको 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज़ किया गया था, 32 करोड़ के बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ 2007 में, जिसको डायरेक्ट किया हुआ प्रियदर्शन ने, स्क्रीन पे निराधा वारा ने। और इस फिल्म की कहानी बुलबुले वन की कहानी है, मलयालम फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है, मति चित्रन थालू की जो ऑफिशियल रीमेक वर्जन है, अक्षय कुमार, अमिताभ, विद्या बालन,
क्रिश रावल, मनोज जोशी, राजप्रदीप यादव बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप इस फिल्म के सभी चीज़ें जबरदस्त है। कॉमेडी सीन ने जहाँ पे जबरदस्त तरीके से वर्क करी थी, जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो जबरदस्त है। फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित होने, ये सभी चीज़ें बहुत बढ़िया टू को भी होगी। हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था, परफॉर्मेंस अच्छी थी। इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छे से काम किया हुआ था। रेफिक सकता था हॉरर डिपार्टमेंट जबरदस्त था। जिस तरह से स्टोरी को स्टैब्लिश किया हुआ था, स्क्रीन प्ले किया हुआ था, वो काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का। तो सेम अगर उसी तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूशन कमी ना नजर आए, तो स्टोरी अच्छी हो, तो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो, तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है। फिलहाल में इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है, जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं कहा जा सकता कि फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज़ हो रही है। अगर वहाँ पे मिस कर देते हैं तो फिल्म को 2-3 महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज़ किया जाएगा। उससे पहले ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा बुलेट प्ले पार्ट भी टी सीरीज के चैनल पर मिलेगा। आज का वीडियो भूल भुलैया 2, जो ऑफिशियली सीक्वल है भूल भुलैया पार्ट 1 2007 में जो रिलीज हुई थी, अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। भूल भुलैया 2 के साथ 2022 की इंडी हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। हॉरर कॉमेडी जो जॉनर होता है वैसे अपने आप में काफ़ी टफ जॉनर होता है। एक टाइम पर आप पर हंसाना, उसी टाइम पर आपको डराना, ये सभी चीज़ें एक साथ करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन भूल भुलैया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई भी हैं। उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई हुई हैं, स्त्री आई थी, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्क करके थी। अब देखते हैं इस फिल्म के साथ लिस बर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। द राइटर की बात करें तो फराह सामजी और कास्ट कोरे, जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पर फराह सामजी के साथ अमिताभ कोश्यारी ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, जहाँ पर आकाश कोश्यारी ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा डायरेक्शन किया है, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी फिल्में को डायरेक्ट किया हुआ है, कॉमेडी फिल्मों के लिए जाते हैं, एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म दी हुई है, जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त नाम है। उन्होंने इससे पहले काफ़ी ज़बरदस्त फिल्में दी हैं, रेडी थैंक यू, नो प्रॉब्लम, सैंडविच, नो एंट्री, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई हैं इस फिल्म के साथ, उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़िया हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, बोरा खेतानी, कृष्णा कुमार, ये 3 प्रोड्यूसर हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टीवी फिल्म हाउस स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पर फिल्म का बजट तकरीबन 30 से 35 करोड़ बताया जा रहा है। तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया। फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग और टीजर और ट्रेलर में, वो काफ़ी रिच नज़र आ रहा है। जिस तरह सिनेमाटोग्राफी की गई है, जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है, वो सभी चीज़ें ज़बरदस्त हैं। जिस तरह से भूल भुलैया का टाइटल क्रिएट किया वो भी सुनने में अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किया मनु आनंद ने, एडिटिंग की भी बंदी नागिन ने, म्यूजिक दिया हुआ है जाबर, स्कोर क्रिएट किया हुआ है स्मिथ सोरेन ने, और सॉन्ग क्रिएट किया हुआ है प्रीतम और तनिष बाजी ने। जहाँ पर तनिष बाजी ने इस फिल्म को रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर प्रीतम ने ओरिजिनल सॉन्ग क्रिएट किए हुए थे, जो पार्ट 1 में क्रिएट किया था उसका वर्जन देखने को मिलेगा। जहाँ पर पहला साउंड ट्रैक आपको मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर, टी सीरीज के चैनल के ऊपर, जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है। और भूल भुलैया 2 के टाइटल ट्रैक है हरे राम हरे कृष्ण, जिसका रिमेक वर्जन अवेलेबल किया हुआ है, जिसके लिरिक्स लिखे हुए मेरे डिंगल ने और तमिश पाजी ने, सिंगर सैन है नीरज देश ने ओरिजिनल वर्जन दिया हुआ, उनके साथ मेलोडी और बॉक्स ऑफिस देखने को मिलेगा। गाने की लेंथ 3 मिनट 31 सेकेंड, और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि फिल्म के गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है, कि गाना रिलीज हुआ बाकी गाने बाकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर की, तो ये फिल्म सियानी अनंत रानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काफ़ी बड़ी है, ये फिल्म एक ऐसी इंडिया की कंपनी है जो बड़े लेवल पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है। किसी फिल्म को हिट होने के शायद कितनी भी फिल्म अच्छी है तो हटी अच्छी स्क्रीन मिलनी चाहिए, ये फिल्म जरूर दिलवा सकती है। अब हम बात कर ले इसकी कास्ट के ऊपर, तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन, तब्बू और ग्यारह आडवाणी देखने को मिलेंगे।
इनके अलावा अमलू पादर, संजय मिश्रा, मिनेस कोनान, करमवीर चौधरी और अक्षय शर्मा आपको मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आए। जहाँ पे कार्तिक आर्यन रूहान बंदावा रू बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं, तब उन्हें कनिष्का शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। क्यारा आडवाणी रीत ठाकुर का रोल प्ले कर रही हैं। प्रहलाद छोटे पंडित का रोल प्ले कर रहे हैं, जो पहले पार्ट में भी थे, अमल पाटे के रोल में दिखाई देंगे। करमवीर चौधरी आपको मुख्य वेद के रोल में दिखाई देंगे। बाकी सभी कैरेक्टर संजय मिश्रा, मिलन गुना जी, इसके अलावा राजू शर्मा है, इनके रोल डिस्क्लोज नहीं है। फिल्म रिलीज हो जाएगी तो फिल्म की स्टोरी बोर्ड डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। जिस तरह से ट्रेलर्स आउट हुआ है उससे बोल भलैया पार्ट वन में जिस तरह स्टोरी एंड हुई थी, जहां पर उसी मंजुलेखा को पाया गया था, और लेकिन कुछ सालों के बाद 15-20 सालों के बाद अलग ही फैमिली आ चुके थे, सभी लोग बदल चुके हैं। वहाँ पर कार्तिक आर्यन आते हैं और वो ओरिजिनल बाबा है या फिर ठाक है उसका किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक वो मंजुलिका का दरवाज़ा है वो तोड़ देते हैं, उसके बाद में सभी घटनाएं घटने लग जाती हैं, सुपर नेचुरल चीज़ें होने लग जाती हैं, उन सभी का सामना कैसे करेंगे। उसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना डीप वाला है, क्या वो ओरिजिनल बाबा है या अक्षय कुमार के साथ उनका कनेक्शन है, वो सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म बनाए रखेगी। और राजपूत यादव वो संजय मिश्रा जैसे का एक्ट्रेस देखने को मिले जो कॉमेडी डिपार्टमेंट में अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। ट्रेलर टीजर आउट होने वाला है, कार्तिक आर्यन का काम डिफरेंट नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है, जहाँ पर वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है अच्छे से हमारे सामने पेश करते हुए नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह है सभी फुल फीचर फिल्मों में कैसे लगती हैं। अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही, डिसेंट रही, तो स्क्रीन प्ले डायरेक्शन जबरदस्त रहेगा और फिर हिट हो सकती है। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उसे अंदाजा लगाया जा सकता है इस फिल्म का बस अच्छा खासा है। लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही हैं, लास्ट फिल्म जो फिल्म हिट हुई थी वो है द कश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। हीरो 22, 34 ऐसी बड़ी बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में जर्सी नहीं चली थी, चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो, ऑडियंस को इतना इंटरेस्ट नहीं होता बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर। चीज़ें होती हैं वो तो रिलीज डेट के ऊपर ही पता चलता है। रिलीज के ऊपर बात करें तो 20 मई 2022 को इसको रिलीज करवाने वाले हैं। सेंसर बोर्ड की तरफ से USA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस मिस्ट्री हॉरर जनर को देखने के लिए कुछ एक्शन की फिक्स रहती है, थोड़ी घबराहट वाली रहती है, फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ चीज़ें ड्रा आने रहती हैं, वो सभी चीज़ों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड एक्शन वाली होती है। उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी, फिल्म की परफॉर्मेंस, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, ये सभी चीज़ों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए। म्यूजिक हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ या किसी भी फिल्म को उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, जहाँ पर संदीप एक पूरी तरह से दारोमदार रहने वाला है। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनली 30 जुलाई 2020 को रिलीज करने वाले COVID-19 के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई, बाद में थिएटर ओपन हुए, क्लोज हुए, थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हुए थे और ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी, फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही। फाइनली फिल्म को जिस मई 2022 में थिएटर में रिलीज करने वाले हैं। यहाँ 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म शूटिंग करके इसके अलावा रैपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को। फिलहाल में 2-3 महीने पहले ही पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था। देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से तब रिलीज होते हैं, फिल्म रिलीज के बाद काफ़ी एक दो गाने आएंगे, वो सभी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। अब जब कभी भी फिल्म 20 मई 2023 में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कितना रहता है, कैसा पॉजिटिव माउथ रहता है, नेगेटिव माउथ रहता है, इस पर डिपेंड करता है कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर आउट हो रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस यूएसए में देखा जा रहा है, इस फिल्म का बस अच्छा खासा क्रिएट हुआ है। अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडियम है, 30-35 करोड़ का बजट है। अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम से 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा फर्क हो रहा है, जिसके चलते काफ़ी फ्लॉप हुई जा रही हैं। अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं, फिर हमें जैसे रिलीज होते भले ही रीमेक हो, लेकिन अच्छी रीमेक थी लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है।
और ये सभी चीजें हमें 20 मई 2022 को ही पता चलेगा। अदरवाइज ट्रेलर में जितनी भी चीजें देखने को मिल रही हैं, सॉन्ग जो सुनने को मिल रहे हैं, वहाँ पर काम लाजवाब नजर आ रहे हैं। दावा के रोल में अपना जबरदस्त दे रहे हैं, वो अपनी सीरीज में काफी जबरदस्त है, उनका दोनों ने अच्छे से कास्ट किया हुआ है। राजपाल यादव से मिश्रा की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, साथ में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलेंगे, वो भी अच्छे हैं। स्टोरी के ऊपर पूरी दमदार स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है, हॉरर एलिमेंट है, उसका काम किस तरह से किया जाता है, वो सभी चीज़ें फिल्म को जबरदस्त बना सकती हैं। हॉरर कॉमेडी दोनों जोनों को एक साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो डायरेक्टर सभी इन चीज़ों के साथ आने वाले टाइम के साथ पता चलेगा। इसके अलावा सनमार्क टीजर और ढोंगे तो लाजवाब हैं, तो इस टाइप की सनमार्कोग्राफी देखने को मिलेगी, हॉरर कॉमेडी जॉनर है। इसके साथ एक अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा, सभी चीज़ों को अच्छे से शोकेस किया गया है, तो सीन का उधर बेहतर होता है। तो सभी चीज़ें ये ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है। म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है, कुछ चीज़ें रिक्रिएट की हुई हैं, कुछ नहीं डाली हुई हैं, ट्रेलर में वो अच्छा नज़र आ रहा है। साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है, टाइटल ट्रैक जो डिस्टेंस ने क्रिएट किया हुआ है, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं। पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला हिट हुआ था, वो काफ़ी ज़बरदस्त था, उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है। बुलबे वन की बात करें तो उसको फिर ऑफिशियल टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अभी सॉन्ग जिसका रन टाइम 154 मिनट है, इसको 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज किया गया था, 32 करोड़ के बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ 2007 में, जिसको डायरेक्ट किया हुआ प्रियदर्शन ने, स्क्रीन पे निराधा वारा ने। और इस फिल्म की कहानी बुलबुले वन की कहानी है, मलयालम फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है, मति चित्रन थालू की जो ऑफिशियल रीमेक वर्जन है, अक्षय कुमार, मिता पिता, विद्या बालन, प्रेश रावल, मनोज जोशी, राजप्रदी बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप इस फिल्म के सभी चीज़ें ज़बरदस्त है, कॉमिक फिल्म ने जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से वर्क करी थी, जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो ज़बरदस्त है, फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित होने ये सभी चीज़ें बोल भैया टू को भी होगी। हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था, परफॉर्मेंस अच्छी थी। इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छे से काम किया हुआ था, ग्राफिक्स अच्छा था, हॉरर डिपार्टमेंट ज़बरदस्त था, जिस तरह से स्टोरी को एस्टैब्लिश किया हुआ था, स्क्रीन प्ले किया हुआ था, वो काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का। तो सेम अगर उसी तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूशन कमी ना नज़र आए, तो स्टोरी अच्छी हो, तो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो, तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है। फिलहाल में इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है, जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं कहा जा सकता कि फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी। अब हम बात कर रिलीज के ऊपर, तो 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज हो रही है, अगर वहाँ पे मिस कर देते हैं तो फिल्म को 2-3 महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज किया जाएगा। उससे पहले ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी, तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाएंगे। इसके लिए बुलबुले पार्ट भी यूट्यूब पर टी सीरीज के चैनल पर मिलेगा। आज का वीडियो बुलबुलैया 2 जो ऑफिशियली सीक्वल है बुलबुलैया पार्ट 1 2007 में जो रिलीज हुई थी, अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। बुलबुलैया 2 के साथ 2022 की इंडी हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। हॉरर कॉमेडी जो जॉनर होता है वैसे अपने आप में काफ़ी टफ जॉनर होता है, एक टाइम पर आप पर हंसाना, उसी टाइम पर आपको डराना, ये सभी चीज़ें एक साथ करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन बुलबुलैया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई भी हैं। उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई हुई हैं, स्त्री आई थी, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर गई थी। अब देखते हैं इस फिल्म के साथ लिस्बर्ग के जो डायरेक्टर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। द राइटर की बात करें तो फरा सामजी और कास्ट कोर जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पर फरा सामजी के साथ अता कोश ने पूरी तरह से स्क्रीन पे स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, जहाँ पर आकाश कोश ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा डायरेक्शन क्या है, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी फिल्में को डायरेक्ट किया हुआ है, यानी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाते हैं, एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म दी हुई है, जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त नाम है। उन्होंने इससे पहले काफ़ी ज़बरदस्त फिल्में दी हैं, रेडी थैंक यू,
नो प्रॉब्लम, सैडविच, नो एंट्री, काफी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई है इस फिल्म के साथ, उनसे उम्मीदें काफी बढ़िया हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, बोरा खेतानी, कृष्णा कुमार, ये तीन प्रोड्यूसर हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी फिल्म स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पर फिल्म का बजट तकरीबन 30 से 35 करोड़ बताया जा रहा है। तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया। फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग और टीजर ट्रेलर में, वो काफी रिच नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सिनेमाटोग्राफी की गई है, जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है, वो सभी चीजें जबरदस्त है। जिस तरह से बोल भुलैया का टाइटल क्रिएट किया, वो भी सुनने में अच्छा नजर आ रहा है। इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की पर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी के मनु आनंद ने, एडिटिंग की है बंदी नागिन ने, म्यूजिक दिया हुआ है जाबर, स्कोर क्रिएट किया हुआ है स्मिथ सोरेन ने, और सॉन्ग क्रिएट किया हुआ है प्रीतम और तनिष बाजी ने। जहाँ पर तनिष बाजी ने इस फिल्म को रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर प्रीतम ने ओरिजिनल सॉन्ग क्रिएट किए हुए थे, जो पार्ट वन में क्रिएट किया था उसका वर्जन देखने को मिलेगा। जहाँ पर पहला साउंड ट्रैक आपको मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर, टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है। और बोल भुलैया 2 के टाइटल ट्रैक है हरे राम हरे कृष्ण, जिसका रिमेक वर्जन अवेलेबल किया हुआ है, जिसके लिरिक्स लिखा हुआ मेरे डिंगल ने और तमिश पाजी ने। सिंगर सैन है नीरज देश ने ओरिजिनल वर्जन दिया हुआ, उनके साथ मेलोडी और बॉक्स भी देखने को मिलेगा। गाने की लेंथ 3 मिनट 31 सेकेंड, और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि फिल्म की गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है, कि गाना रिलीज हुआ बाकी गाने बाकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की, तो एयर फिल्म यानी अनंत रानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काफ़ी बड़ी है, ये फिल्म एक ऐसी इंडिया की कंपनी है जो बड़े लेवल पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है। किसी फिल्म को हिट होने के शायद कितनी भी फिल्म अच्छी है तो 30 अच्छी सेकेंड मिलनी चाहिए, ये फिल्म जरूर दिलवा सकती है। अब हम बात कर ले इसकी कास्ट के ऊपर, तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन, तब्बू और ग्यारह आडवाणी देखने को मिलेंगे। इनके अलावा अमलू पादर, संजय मिश्रा, मिलिंद कोनांज, करमवीर चौधरी और अक्षय शर्मा आपको मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आए। जहाँ पे कार्तिक आर्यन रूहान बंदावा रू बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं, तब उन्हें कनिष्का शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है, ग्यारह आडवाणी रीत ठाकुर का रोल प्ले कर रही हैं, लिहाज छोटे पंडित का रोल प्ले करेगा जो पहले पार्ट में भी थे, अमल पाते के रोल में दिखाई देंगे, करमवीर चौधरी आपको मुख्य वेद के रोल में दिखाई देंगे, बाकी सभी कैरेक्टर संजय मिश्रा, मिलन गुना जी, इसके अलावा राजेश शर्मा है, इनके रोल डिस्क्लोज नहीं है। तो फिल्म रिलीज हो जाएगी तो फिल्म की स्टोरी बोर्ड डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। जिस तरह से टीजर्स ट्रेलर्स आउट हुआ है उससे बोल भुलैया पार्ट वन में जिसका स्टोरी एंड हुई थी, जहाँ पर उसी मंजुलेखा को पाया गया था, और लेकिन कुछ सालों के बाद 15-20 सालों के बाद अलग ही फैमिली आ चुके थे, सभी लोग बदल चुके हैं। वहाँ पर कार्तिक आर्यन आते हैं और वो ओरिजिनल बाबा है या फिर ठाक है उसका किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक वो मंजुलेखा का दरवाजा है वो तोड़ देते हैं, उसके बाद में सभी घटनाएं घटने लग जाती हैं, सुपर नेचुरल चीजें होने लग जाती हैं, उन सभी का सामना कैसे करेंगे। उसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना डीप वाला है, क्या वो ओरिजिनल बाबा है या अक्षय कुमार के साथ उनका कनेक्शन है, वो सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म बनाए रखेगी। और ज़्यादा यादव वो संजय मिश्रा जैसे एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे जो कॉमेडी डिपार्टमेंट में अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। टेलोर टीजर आउट होने वाला है, कार्तिक आर्यन का काम डिफरेंट नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है, जहाँ पर वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है अच्छे से हमारे सामने पेश करते हुए नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह है सभी फुल फीचर फिल्मों में कैसे लेते हैं। अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही, डिसेंट रही, तो स्क्रीन प्ले डायरेक्शन जबरदस्त रहेगा और फिर हिट हो सकती है। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उसे अंदाजे लगाया जा सकता है इस फिल्म का बस अच्छा खासा है। लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही हैं, लास्ट फिल्म जो फिल्म हिट हुई थी वो है द कश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, हीरो 22, 34, ऐसी बड़ी बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में जो सीन नहीं चली थी, चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो, ऑडियन को इतना इंटरेस्ट नहीं होता बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर, चीज़ें होती हैं वो तो रिलीज डेट के ऊपर ही पता चलता है। रिलीज के ऊपर बात करें तो 20 मई 2022 को इसको रिलीज करवाने वाले हैं, सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस मिस्ट्री हॉरर जनरल को देखने के लिए कुछ एक्शन की
फिक्स रहती है, थोड़ी घबराहट वाली रहती है। फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ चीज़ें ड्रा आने रहती हैं, वो सभी चीज़ों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड एक्शन वाली होती है। उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी, फिल्म की परफॉर्मेंस, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, ये सभी चीज़ों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए। म्यूजिक और फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ या किसी भी फिल्म को उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, जहाँ पर संदीप एक पूरी तरह से दारोमदार रहने वाला है। रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनली 30 जुलाई 2020 को रिलीज़ करने वाले, COVID-19 के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई, बाद में थिएटर ओपन हुए, क्लोज हुए, थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हुए थे और ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी, फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही। फाइनली फिल्म को जिस मई 2022 में थिएटर में रिलीज़ करने वाले हैं, या 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म शूटिंग करके इसके अलावा रैपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को। फिलहाल में 2-3 महीने पहले ही पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था। देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से तब रिलीज़ होते हैं, और फिल्म रिलीज़ के बाद काफ़ी एक दो गाने आएंगे, वो सभी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। अब जब कभी भी फिल्म 20 मई 2023 थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कितना रहता है, कैसा पॉजिटिव माउथ रहता है, नेगेटिव माउथ रहता है, इस पर डिपेंड करता है कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर आउट हो रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस ट्रेन में देखा जा रहा है, इस फिल्म का बस अच्छा खासा क्रिएट हुआ है। अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडियम है, 30-35 करोड़ का बजट है। अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम से 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा फर्क हो रहा है, जिसके चलते काफ़ी फ्लॉप हुई जा रही हैं। अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं, फिर हमें जैसे रिलीज होते भले ही रीमेक हो, लेकिन अच्छी रीमेक थी लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है, और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 2022 को ही पता चलेगा। अदरवाइज ट्रेलर में जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सॉन्ग जो सुनने को मिल रहे हैं, वहाँ पर काम लाजवाब नज़र आ रहे हैं। दावा कर रोल में अपना ज़बरदस्त दे रहे हैं, वो अपनी सीरीज में काफ़ी ज़बरदस्त हैं, उनका दोनों ने अच्छे से कास्ट किया हुआ है। राजपाल यादव से मिश्रा की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, साथ में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलेंगे, वो भी अच्छे हैं। स्टोरी के ऊपर पूरी दमदार का स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है, हॉरर एलिमेंट है उसका काम किस तरह से किया जाता है, वो सभी चीज़ें फिल्म को ज़बरदस्त बना सकती हैं। हॉरर कॉमेडी दोनों जोनों को एक साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो डायरेक्ट सभी इन चीज़ों के साथ आने वाले टाइम के साथ पता चलेगा। इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी और होंगे तो लाजवाब हैं, तो इस टाइप की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी, हॉरर कॉमेडी जॉनर है, इसके साथ एक अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा, सभी चीज़ों को अच्छे से शोकेस किया गया है, तो सीन का उधर बेहतर होता है। तो सभी चीज़ें ये ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही। म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है, कुछ चीज़ें रिक्रिएट की हुई हैं, कुछ नहीं डाली हुई हैं, ट्रेलर में वो अच्छा नज़र आ रहा है। साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है, टाइटल ट्रैक जो डिस्टन पे हमें क्रिएट किया हुआ है, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं। पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला हिट हुआ था, वो काफ़ी ज़बरदस्त था, उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है। बुलबे वन की बात करें तो उसको फिर ऑफिशियल टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अभी सॉन्ग जिसका रन टाइम 154 मिनट है, इसको 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज़ किया गया था, 32 करोड़ के बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ 2007 में, जिसको डायरेक्ट किया हुआ प्रियदर्शन ने, स्क्रीन पे निराधा वारा ने। और इस फिल्म की कहानी बुलबुले वन की कहानी है, मलयालम फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है, मति चित्रंदर थालू की जो ऑफिशियल रीमेक वर्जन है, अक्षय कुमार, मीता पिता, विद्या बालन, प्रेश रावल, मनोज जोशी, राजप्रदी बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप इस फिल्म के सभी चीज़ें ज़बरदस्त है, कॉमिक फिल्म है जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से वर्क करी थी, जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो ज़बरदस्त है, फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित होने ये सभी चीज़ें बोल्ड भैया 2 को भी होगी। हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था, परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छे से काम किया हुआ था, ग्राफिक्स अच्छा था, हॉरर डिपार्टमेंट ज़बरदस्त था, जिस तरह से स्टोरी को एस्टैब्लिश किया हुआ था,
स्क्रीन प्ले किया हुआ था वो काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का। तो सेम अगर उसी तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूशन कमी ना नज़र आए तो स्टोरी अच्छी हो तो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है। फिलहाल में इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं कहा जा सकता कि फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी। अब हम बात कर रिलीज के ऊपर तो 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज हो रही है। अगर वहाँ भूल भुलैया 2 जो ऑफिशियली सीक्वल है भूल भुलैया पार्ट 1 2007 में जो रिलीज हुई थी अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। भूल भुलैया 2 के साथ 2022 की इंडी हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। हॉरर कॉमेडी जो जॉनर होता है वैसे अपने आप में काफ़ी टफ जॉनर होता है। एक टाइम पर आप पर हंसाना उसी टाइम पर आपको डराना ये सभी चीज़ें एक साथ करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन भूल भुलैया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई हुई हैं। उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई हुई हैं, स्त्री आई थी, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर गई थी। अब देखते हैं इस फिल्म के साथ लिसबर्ग के जो डायरेक्टर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। द राइटर की बात करें तो फराह सामजी और कास्ट कोर जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पर फराह सामजी के साथ अमिताभ कोश्यारी ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, जहाँ पर आकाश कोश्यारी ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा डायरेक्शन क्या है जिन्होंने इससे पहले काफ़ी फिल्में को डायरेक्ट किया हुआ है, यानी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाते हैं एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म दी हुई है, जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त नाम है। उन्होंने इससे पहले काफ़ी ज़बरदस्त फिल्में दी हैं, रेडी थैंक यू, नो प्रॉब्लम, सैंडविच, नो एंट्री, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई हैं इस फिल्म के साथ, उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़िया हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, मोना खेतानी, कृष्णा कुमार ये 3 प्रोड्यूसर हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी सिलेक्ट फिल्म हाउस स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पर फिल्म का बजट तकरीबन 30 से 35 करोड़ बताया जा रहा है। तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया। फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग और टीजर और ट्रेलर में वो काफ़ी रिच नज़र आ रहा है। जिस तरह सिनेमाटोग्राफी की गई है, जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है वो सभी चीज़ें ज़बरदस्त हैं। जिस तरह से भूल भुलैया का टाइटल क्रिएट किया है वो भी सुनने में अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किया मनु आनंद ने, एडिटिंग किया बंदी नागिन ने, म्यूजिक दिया हुआ है जाबर, स्कोर क्रिएट किया हुआ है स्मिथ सोरेन ने और सॉन्ग क्रिएट किया हुआ है प्रीतम और तनिष बाजी ने, जहाँ पर तनिष बाजी ने इस फिल्म को रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर प्रीतम ने ओरिजिनल सॉन्ग क्रिएट किए हुए थे। जो पार्ट 1 में क्रिएट किया हुआ था उसका वर्जन देखने को मिलेगा, जहाँ पर पहला साउंड ट्रैक आपको मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर, टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है। और भूल भुलैया 2 के टाइटल ट्रैक है हरे राम हरे कृष्ण, जिसका रिमेक वर्जन अवेलेबल किया हुआ है, जिसके लिरिक्स लिखा हुआ मेरे डिंगल ने और तमिश पाजी ने, सिंगर सैन है नीरज ओरिजिनल वर्जन दिया हुआ उनके साथ मेलोडी और बॉक्स भी देखने को मिलेगा। गाने की लेंथ 3 मिनट 31 सेकेंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि फिल्म की गानों को किस तरह से आगे जाकर रिस्पॉन्स मिलता है कि गाना रिलीज हुआ बाकी गाने बाकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर की, तो एयर फिल्म यानी अनंत रानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कंपनी काफ़ी बड़ी है, ये फिल्म एक ऐसी इंडिया की कंपनी है जो बड़े लेवल पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है। किसी फिल्म को हिट होने के शायद कितनी भी फिल्म अच्छी है तो हड्डी अच्छी स्क्रीन मिलनी चाहिए, ये फिल्म जरूर दिलवा सकती है। अब हम बात कर ले इसकी कास्ट के ऊपर, तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन, तब्बू और ग्यारह आडवाणी देखने को मिलेंगे। इनके अलावा अमलू पादर, संजय मिश्रा, मिनेश कोनांज, करमवीर चौधरी और अक्षय शर्मा आपको मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आए, जहाँ पे कार्तिक आर्यन रूहान बंदावा रू बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं, तब उन्हें कनिष्का शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है, ग्यारह आडवाणी रीत ठाकुर का रोल प्ले कर रही हैं, पहले आज छोटे पंडित का रोल प्ले करेगा जो पहले पार्ट में भी थे अमलू पादर के रोल में दिखाई देंगे, करमवीर चौधरी आपको मुख्य वेद के रोल में दिखाई देंगे, बाकी सभी कैरेक्टर संजय मिश्रा, मिलन गुना जी, इसके अलावा राजू शर्मा इनके रोल डिस्क्लोज नहीं है। तो फिल्म रिलीज हो जाएगी तो फिल्म की स्टोरी बोर्ड डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। जिस तरह से ट्रेलर्स आउट हुआ है उससे भूल भुलैया पार्ट 1 में जिसका स्टोरी एंड हुई थी, जहाँ पर उसी मंजुलेखा को पाया गया था, और लेकिन कुछ सालों के बाद 15-20 सालों के बाद अलग ही फैमिली
आ चुके थे, सभी लोग बदल चुके हैं। वहाँ पर कार्तिक आर्यन आते हैं और वो ओरिजिनल बाबा है या फिर ठग है उसका किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक वो मंजुलिका का दरवाजा है वो तोड़ देते हैं। उसके बाद में सभी घटनाएं घटने लग जाती हैं, सुपरनेचुरल चीज़ें होने लग जाती हैं। उन सभी का सामना कैसे करेंगे? उसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना डीप वाला है, क्या वो ओरिजिनल बाबा है या अक्षय कुमार के साथ उनका कनेक्शन है, वो सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म बनाए रखेगी। और ज़्यादा कुछ यादव वो संजय मिश्रा जैसे का एक्ट्रेस देखने को मिले जो कॉमेडी डिपार्टमेंट में अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। टेलर आउट होने वाला है, कार्तिक आर्यन का काम डिफरेंट नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है। जहाँ पर वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है अच्छे से हमारे सामने पेश करते हुए नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह है सभी फुल फीचर फिल्मों में कैसे लेते हैं। अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही, डिसेंट रही, तो स्क्रीन प्ले डायरेक्शन जबरदस्त रहेगा और फिर हिट हो सकती है। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उसे अंदाजा लगाया जा सकता है इस फिल्म का बस अच्छा खासा है। लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही हैं, लास्ट फिल्म जो फिल्म हिट हुई थी वो है द कास्ट कश्मीर फाइल के साथ काफ़ी सारी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। हीरो 22, 34 ऐसी बड़ी बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में डरसी नहीं चली थी, चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो, ऑडियंस को इतना एड्रेस नहीं होता बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर। चीज़ें होती हैं वो तो रिलीज डेट के ऊपर ही पता चलता है। रिलीज के ऊपर बात करें तो 20 मई 2022 को इसको रिलीज करवाने वाले हैं। सेंसर बोर्ड की तरफ से USA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस मिस्ट्री हॉरर जनर को देखने के लिए कुछ एक्शन की फिक्स रहती है, थोड़ी घबराहट वाली रहती है। फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ चीज़ें ड्रा आने रहती हैं, वो सभी चीज़ों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड एक्शन वाली होती है। उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी, फिल्म की परफॉर्मेंस, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, ये सभी चीज़ों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए। म्यूजिक और फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ या किसी भी फिल्म को उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। जहाँ पर संदीप एक पूरी तरह से दारोमदार रहने वाला है। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनली 30 जुलाई 2020 को रिलीज करने वाले COVID-19 के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई। बाद में थिएटर ओपन हुए, क्लोज हुए, थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हुए थे और ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी, फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही। फाइनली फिल्म को 20 मई 2022 में थिएटर में रिलीज करने वाले हैं। यहाँ 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म शूटिंग करके इसके अलावा रेपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को। फिलहाल में 2-3 महीने पहले ही पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था। देखने वाली बात यह है कि फिल्म के गाने वो पूरी तरह से तब रिलीज होते हैं। फिल्म रिलीज के बाद काफ़ी एक दो गाने आएंगे, वो सभी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। अब जब कभी भी फिल्म 20 मई 2023 थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कितना रहता है, कैसा पॉजिटिव माउथ रहता है, नेगेटिव माउथ रहता है, इस पर डिपेंड करता है कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी। जिस तरह से टीजर और ट्रेलर आउट हो रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ से में देखा जा रहा है, इस फिल्म का बस अच्छा खासा क्रिएट हुआ है। अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडियम है, 30-35 करोड़ का बजट है। अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम से 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा फर्क हो रहा है जिसके चलते काफ़ी फ्लॉप हुई जा रही हैं। अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं। फिर हमें जैसे रिलीज होते भले ही रीमेक हुआ लेकिन अच्छी रीमेक थी लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 2022 को ही पता चलेगा। अदरवाइज ट्रेलर में जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सॉन्ग जो सुनने को मिल रहे हैं, वहाँ पर काम लाजवाब नजर आ रहे हैं। धावा के रोल में अपना ज़बरदस्त दे रहे हैं, वो अपनी सीरीज में काफ़ी ज़बरदस्त हैं, उनका दोनों ने अच्छे से कास्ट किया हुआ है। राजपाल यादव से मिश्रा की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, साथ में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलेंगे, वो भी अच्छे हैं। स्टोरी के ऊपर पूरी दमदार का स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है और एलिमेंट है उसका काम किस तरह से किया जाता है, वो सभी चीज़ें फिल्म को ज़बरदस्त बना सकते हैं। और कॉमेडी दोनों जोनों को एक साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल है तो डायरेक्ट सभी इन चीज़ों के साथ आने वाले टाइम के साथ पता चलेगा। इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी टीजर और
ठोंगे पे लग जाते हैं, तो इस टाइप की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी। हॉरर कॉमेडी जॉनर है, इसके साथ एक अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा। सभी चीज़ों को अच्छे से शोकेस किया गया है, तो सीन का उधर बेहतर होता है। तो सभी चीज़ें ये ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है। म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है, कुछ चीज़ें रिक्रिएट की हुई हैं, कुछ नहीं डाली हुई हैं ट्रेलर में, वो अच्छा नज़र आ रहा है। साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है, टाइटल ट्रैक जो डिस्टेंट वे में क्रिएट किया हुआ है, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है। पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला हिट हुआ था, वो काफ़ी ज़बरदस्त था, उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है। बुलबे वन की बात करें तो उसको फिर ऑफिशियल टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अभी सॉन्ग जिसका टाइम 154 मिनट है, इसको 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज़ किया गया था 32 करोड़ के बजट के सामने। 83 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ 2007 में। जिसको डायरेक्ट किया हुआ प्रियदर्शन ने, स्क्रीन पे निराधा वारा ने। और इस फिल्म की कहानी बुलबुले वन की कहानी है, मलयालम फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है। मति चित्रंदर ठालू की जो ऑफिशियल रीमेक वर्जन है, अक्षय कुमार, मीता पिता, विद्या बालन, प्रेस रावल, मनोज जोशी, राजप्रदीप यादव बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप इस फिल्म के सभी चीज़ें ज़बरदस्त है। कॉमेडी सीन ने जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से वर्क करी थी, जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो ज़बरदस्त है। फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित होने ये सभी चीज़ें बहुत बढ़िया टू को भी होगी। हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था, परफॉर्मेंस अच्छी थी। इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छे से काम किया हुआ था। रेफिक फैक्टर था, हॉरर डिपार्टमेंट ज़बरदस्त था। जिस तरह से स्टोरी को स्टैब्लिश किया हुआ था, स्क्रीन प्ले किया हुआ था, वो काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का। तो सेम अगर उसी तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूशन कमी ना नज़र आए, तो स्टोरी अच्छी हो, तो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो, तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है। फिलहाल में इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है, जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं कहा जा सकता कि फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी। अब हम बात कर रिलीज के ऊपर, तो 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज़ हो रही है। अगर वहाँ पे मिस कर देते हैं तो फिल्म को 2-3 महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज़ किया जाएगा। उससे पहले ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाएंगे। इसके लिए बुलबुले पार्ट 2 टी सीरीज के चैनल पर मिलेगा। आज का वीडियो